तो शुरुआत करते हैं फिर हम लोग, है ना। गुड मॉर्निंग से। और आज बैलेंस ठीक है ना, बट सौरभ नहीं है आज इधर, है ना। आज रवि है तो सौरभ नहीं है इधर, है ना। आज हमारे राघव सर हैं यहाँ पे, है ना। तो और अजीत, आफरीन, इंदु, सविता और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। हम लोग पिछले क्लास में वैदिक काल पे ही बात कर रहे थे, वैदिक कालीन सोसाइटी पे बात हो रही थी, है ना। और वैदिक कालीन सोसाइटी में ऋग्वैदिक कालीन समाज को एक्सप्लेन कर दिया गया था, जो जो पॉइंट्स है सोसाइटी के ऊपर, जो मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए गए थे, जैसे समाज में अलग अलग वर्गों के बारे में, क्लियर ना। फिर उसके बाद महिलाओं की दशा के बारे में, ठीक है, परिवार को लेके, खान पान, आवासीय अवस्था, शिक्षा, है ना। ये सारे बिंदु आपको डिस्कस कर दिए गए थे, एक्सप्लेन कर दिए गए थे, ठीक है। उत्तर वैदिकालीन समाज में हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, क्लियर। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों के बारे में, जो एक वर्ण और जाति का क्या है उसके बारे में समझाया, इसलिए था कि बेसिक है, आगे चल करके वर्ण को ना, वर्ण को ही आगे चल करके जन्म आधारित मान लिया गया, ठीक है। और बुद्ध काल में साफ साफ दिखाई पड़ता है हमें जाति व्यवस्था जो है ना, तो जन्म आधारित मान लिया गया वर्ण को ही, तो चीजें बदली गई वहां से। फिर अब हम देखेंगे क्या बदलाव आया। और परिवार के बारे में, महिलाओं की दशा में जो थोड़े बहुत चेंजेस आने शुरू होते हैं, वो जीवन में बदलाव के साथ है। वो थोड़ी संपत्ति की अवधारणा है, अस्थायित्व तो है, अधिशेष है, तो चीजें बदलनी शुरू होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारे बदलाव पूरे हिंदुस्तान में एक साथ नहीं होने हैं, 100-200 वर्षों में धीरे धीरे ग्रेजुअल ही इसका इम्पैक्ट हुआ होगा। तो हर जगह जो प्रभावी वर्ग रहता होगा, ठीक है, धीरे धीरे उसको एडॉप्ट करता होगा, फिर उसे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता होगा। मतलब एक संघर्ष हुआ होगा, ऐसा भी नहीं कि एकदम भी हमने आदेश दे दिया और लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कम से कम वैसे समाज के लोगों ने तो विरोध जरूर किया होगा इस व्यवस्था का। बट हमने जैसे कल भी कहा था, पिछली क्लास में भी शनिवार को, कि उनके बारे में जानकारी का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। कुछ कुछ सोर्सेज मिलते हैं थोड़े बहुत, चूंकि वैदिक साहित्य पे हम निर्भर रहते हैं, और जो रूल मेकर है वो उनके दृष्टिकोण को बता रहा है वैदिक साहित्य जो है, ठीक है। हम लोग उत्तर वैदिकालीन समाज में जब बात कर रहे थे आपसे लास्ट में, तो नोट करके कुछ चीजों पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया था आपको, कि जीवन को कैसे एक दिशा, ठीक है, जो जीवन जी रहा है तो फिर एक डायरेक्शन हो ना, कि क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करने वाली बात है ना। आप कह सकते हैं बुद्धिजीवियों की एक तरह की वो सोच रही होगी उस समय कि जीवन को कैसे जिया जाए। अब पूरे जीवन की में जो 100 साल का हिस्सा है, उसमें बहुत सारे संस्कार, ज्यादातर संस्कारों का संबंध जो है गृहस्थ जीवन से है, ब्रह्मचर्य जीवन से है, गृहस्थ जीवन से मैक्सिमम है, ठीक है। उसमें भरे भरे पड़े थे संस्कार उसके अंदर, ठीक है। उसके बारे में भी कुछ कुछ बातें आपको, 2-3 खास बातें बताई दी थी मैंने आपको, है ना। लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। उसी में हमने कहा था आपको, जैसे पुरुषार्थ, गोत्र प्रथा, मतलब जीवन कैसे जीना है ये तो बता दिया गया, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये भी क्लियर किया गया। जीवन में कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए, अपने अपने जीवन को जब सब हम कैलकुलेट करेंगे, कभी लाइफ में उस अवस्था में जब कुछ करने योग्य ना बचे हम जीवन के उस पड़ाव पे आकर के, है ना, जब लगे कि अब कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, बैक के केवल यात्रा को देखे जीवन में क्या क्या किया हमने, तो या तो धर्म के लिए काम किया, या अर्थ के लिए काम किया, या मोक्ष के लिए काम किया, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ यानी भौतिक सुख, काम यानी इंद्रिय सुख की बात, ठीक है, मोक्ष यानी जरा मरण चक्र से मुक्ति की बात उसके लिए, धर्म यानी जो अच्छे आचरण हैं, नीति हैं, ठीक है, जो उसमें पूजा पाठ की पद्धति भी समाहित हो जाती है, जो तौर तरीके हैं, है ना। पुरुषार्थ की भी अवधारणा आई है। आज भी देखोगे हर व्यक्ति का जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें कहा गया था बैलेंस रखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बैलेंस रखिए। जो खूब
ज्यादा पैसे वगैरह कमा भी लेते हैं, पता चला लास्ट में आकर के वो सब दान वान दे करके, मतलब वो है ना जो बैलेंस नहीं रख पाते हैं ना, बहुत सारे कम से कम अपने समाज में जैन अनुयायियों का किस्सा बहुत सुनने को मिलेगा आपको समय समय पे। जैन फॉलोअर से कोई 50 करोड़ 100 करोड़ उन्होंने अर्न कर लिया, फिर सब कुछ छोड़ करके वो भिक्षु बन गए या साधना में चले गए, सब दान दे दिया उन्होंने, मतलब समय समय पे 5-6 साल पे एक बढ़िया ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है अपने समाज में, हमने देखा है और दुनिया में भी देखा है। तो एक बैलेंस की बात, और गोत्र का मतलब ये था कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय, जो कबीला होता था वो एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न माना जाता था। जब विकल्प नहीं था तो कबीले के भीतर ही शादी होती थी, सारे रिचुअल्स वगैरह जो होते थे। जब जीवन में थोड़ा स्थायित्व आया तो जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, या लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि भाई एक गोत्र में एक कबीले में शादी होने से जो बच्चे होते हैं वो उतने स्वस्थ नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे गोत्र बहिर्विवाह की परंपरा, तो ये सब चीजें उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई पड़ती हैं। बुद्ध काल में इसे व्यवस्थित रूप दिया गया, बुद्ध काल में इसे सिस्टमेटिक रूप दिया गया। तो ये आपको मैं बता इसलिए रहा था कि इसमें बहुत सारी चीजें बदले हुए रूप में आज भी हमारे जीवन में है। जब हम आपको कहें वैदिक कालीन विरासत, तो इन सब बातों को कहीं ना कहीं जो पुरुषार्थ रहा है वो भी आज हमारे जीवन में, हर व्यक्ति का लक्ष्य इन्हीं चारों में कहीं ना कहीं, कोई धर्म के लिए जी रहा है, कोई अर्थ के लिए जी रहा है, कोई अर्थ और काम के लिए जी रहा है, जिसे आप भौतिक सुख कह सकते हैं। आप धर्म और मोक्ष क्या हो गया, आध्यात्म की दुनिया हो गई, अर्थ और काम क्या हो गया, भौतिक। तो शुरू से इस बात, चाहे आश्रम व्यवस्था हो चाहे पुरुषार्थ हो, उस पर बल दिया गया कि बैलेंस करिए लाइफ को। एक गजब की सच्चाई ये है कि जीवन में चाहे जिस तरफ आपका झुकाव हो, ऐसा पड़ाव सबके जीवन में आता है, जब वो जिसका भौतिक सुखों की तरफ झुकाव होगा फिर वो अध्यात्म की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि अध्यात्म की तरफ आज के समय में शुरू में बहुत ज्यादा झुकाव हो, ठीक है ना, आज की दुनिया ऐसी है, इसमें ऐसा कम होता है। लेकिन क्योंकि चला आ रहा है कई चीजें अनायास, क्या होता है, परिवार से हमें विरासत में मिल जाती है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे परिवार से ही हमें विरासत में मिल जाती है, ठीक है। लिख लीजिए जरा नोट में ही आगे, संस्कार की बात हो गई थी आपसे, अब आप लिखें गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा देखें आप कि संभवतः गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है, संभवतः गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है, संभवतः गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी कुल के सभी गायों को एक साथ रखने की प्रथा, किसी कुल के सभी गायों को एक साथ रखने की प्रथा। सारे गौधन जो हैं एक साथ रखे जाते होंगे, है ना। अगला पॉइंट लिखें इसी में, आगे चलकर एक मूल पुरुष से उत्पन्न, एक मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय के अर्थ में यह स्थापित हुआ, समुदाय के अर्थ में यह स्थापित हुआ तथा गोत्र बहिर्विवाह की परंपरा भी ठीक है, गोत्र बहिर्विवाह की परंपरा भी चल पड़ी या स्थापित हुई।
ठीक है, एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। पहले होता होगा तो ऐसा माना जाता है कि भाई एक रक्त संबंध में विवाह करने से बच्चों पे, ठीक है, उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उसे बेहतर नहीं माना गया है। वैसे एक परंपरा से नहीं है कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों में वैवाहिक संबंध, ये प्राचीन काल से है और आज इसका साइंटिफिक रीजन भी है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, जैसा मैं कहता हूं आपको कि ऐसा नहीं कि जो चीजें नियम बनाई गई, ठीक है, वो वैसे ही बना दी गई। बहुत सारे नियमों का एक अनुभव जन आधारित तो रहा ही होगा, लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, एकाएक नियम तो नहीं बनी है ना। फिर क्या होता है कि सभी चीजों को हम एक जरिए से देखने लग जाते हैं, हम बस ये ऐसे ही है, मतलब है ना। ठीक है, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में है, यदि आप चाहे किसी भी समाज से जुड़ा हुआ, उन सबको साइंटिफिक तरीके से यदि बताया जाए तो चीजें और बेहतर होंगी। मतलब नहीं जानने के कारण उसकी गलत बयानी या गलत व्याख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यदि उसको सही तरीके से उसको मतलब स्कूल कॉलेज के लेवल पे ही अलग से, ठीक है, कि भाई इसकी ये साइंटिफिक टेम्परामेंट यदि आपको डेवलप करना है तो एकदम धर्म को दरकिनार करके नहीं, बल्कि जो जो चीजें प्रचलित है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यदि बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो उसको छोड़िए। ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब जिससे समझ बनेगी और फिर एक भरोसा भी पैदा होता है कि नहीं सिस्टम हमारा, मतलब जिससे हम थोड़ा पीछे की तरफ भी थोड़ा और गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ नहीं नहीं ये सब वैसे ही है, मतलब वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी देखोगे आप, जैसे बहुत सारे वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म से हुए जुड़े हुए ऐसे विचारक हैं, जैसे ऑनलाइन होने के कारण यूट्यूब वगैरह पर बहुतों को देख सकते हो, जिसमें एक सदगुरु हैं, उनके बारे में जरूर आपने सुना होगा, एक ब्रह्म कुमारी से शिवानी दीदी हैं, उनका भी मतलब टॉक, पुराने समय में ओशो की चर्चा मतलब होती रहती है, आर्ट ऑफ लिविंग से जो संस्थापक श्री श्री रविशंकर हैं, है ना। आप कभी उनके टॉक को देखोगे ना तो बहुत सारी बातों में वो साइंटिफिक, किसी भी प्रथा पे आप कभी देखना यूट्यूब पे जाकर के, तो उसका साइंटिफिक ही रीजन वो बता रहे होंगे। ठीक है, उसका साइंटिफिक रीजन ही बता रहे होंगे वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग गोत्र प्रथा के बाद। अब आप लिखिए पुरुषार्थ, देखें प्राचीन ऋषियों ने आश्रम के माध्यम से, प्राचीन ऋषियों ने आश्रम के माध्यम से न केवल जीवन को एक दिशा दी, आश्रम के माध्यम से न केवल जीवन को एक दिशा दी बल्कि जीवन के उद्देश्यों को भी पुरुषार्थ के रूप में स्पष्ट किया। पुरुषार्थ के रूप में स्पष्ट किया, ठीक है, इसी में लिखें आप, धर्म अर्थ, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष नामक उद्देश्य के लिए, नामक उद्देश्य के लिए जीवन को जीना चाहिए। इनके मध्य एक संतुलन होना चाहिए, इनके मध्य एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, इनके मध्य एक संतुलन होना चाहिए, कोई भी चीज मतलब बैलेंस करके चलिए लाइफ में, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सबका अनुभव होगा जीवन में कभी ना कभी,
अभी नहीं, ठीक है, बट सबका यह अनुभव होगा कि हाँ एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। सोसाइटी में ही कुछ कुछ और, जैसे उपनिषद में बहुत अच्छे अच्छे विचार भी रखे गए हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बातें कही गई हैं, सत्यमेव जयते सर्वे भवन्तु सुखिना, ठीक है। देखो एक दौर में अच्छे विचार भी हैं, उसी दौर में आपको समाज में असमानताएं विभिन्नताएं भी दिखेंगी। हर दौर ऐसा ही होता है, अच्छे और बुरे का समन्वय, आज भी यही जीवन है, ठीक है। किसी भी दौर को ऐसे ही देखना है, मतलब एक पक्ष ही नहीं देखना कि एकदम अंधकार का ही काल है, अच्छा कुछ हुआ ही नहीं और आज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। हर दौर में समन्वय, लोग ही होते हैं ना, हर दौर में जहां इंसान होगा वहां दोनों तरह की गतिविधियां दिखेंगे। इसी में लिख लें आप, उत्तर वैदिक साहित्य से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, है ना, कौमा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम कौमा, ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सत्यमेव जयते, विचारों की भी जानकारी मिलती है, जैसे विचारों की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट हमने डेलिबरेटली लिया है क्योंकि आज सबसे ज्यादा इसी की चर्चा होती है। हम उस देश से हैं जहां वसुधा को पूरी दुनिया को जो है, मतलब ठीक है। तो आप जैसे आज का ट्रेंड क्या है, समाज क्या है, और उन बिंदुओं को जैसे एक एग्जामिनी के तौर पे इतिहास से निकालिए, उसको अपने आंसर में स्पेस, आप थोड़ा सा धीरे धीरे जब मुझे रीड करेंगे आप, मैं किस शैली में आपको बताता पढ़ाता हूं, ठीक है ना। किताब अगर अपनी जगह है, बट उसके साथ साथ मैं जो चीजों को, ठीक है, उसको सामान्यतः मतलब सिस्टम से उसको तारतम्य में बिठाना हमें, और अच्छी चीजों को तो वैसे भी हमें लेकर आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सोच के साथ हम जीवन जी रहे थे, हालांकि हमने क्या देखा, समाज में महिलाओं के साथ एक भेदभाव, वर्ण व्यवस्था में भेदभाव, असमानता भी दिखाई पड़ने लगी है समाज में, और जो संस्कार हैं, जो आश्रम व्यवस्था है, उन सब में भी देखोगे आप, जैसे हमने बताया आपको भी शूद्र वर्ण को शिक्षा से ही रोका जा रहा था, वो भी एक भेदभाव का एग्जाम्पल है ना। अब हम लोग लेते हैं धर्म की बात करते हैं, जरा आइए आप वैदिक कालीन धर्म, एक हड़प्पा कालीन धर्म की बात कर चुके हैं आपसे, क्या क्या चीजें थी, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है। वैदिक साहित्य के केंद्र में ही धर्म है, पूजा पाठ, देवी देवता, मंत्र, और उसी के क्रम में उस दौर की समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था की समझ बनती है, ठीक है। धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो यहां लिखिए आप ऋग्वेद, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, पहला पॉइंट लिखें, ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की आराधना की जानकारी मिलती है, विभिन्न देवताओं की आराधना की जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र,
जैसे इंद्र कौमा वरुण वरुण कौमा अग्नि इत्यादि लिखें, अर्थात ऋग्वेदिक समाज बहुदेववादी समाज था, अर्थात ऋग्वेदिक समाज बहुदेववादी समाज था। ठीक है, ऋग्वेदिक समाज बहुदेववादी समाज था। अलग अलग देवताओं की आराधना की जा रही ऋग्वेद में। ठीक है, हालांकि जब जिस देवता की आराधना होती थी माना जाता था कि सर्वोच्च शक्ति वही है, उसे सर्व देवतावादी भी कहते हैं। और ऋग्वेद में ही ऐसे संकेत मिलते हैं कि सब कुछ एक ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। जैसे हम कहते हैं ना एकेश्वरवाद, कभी कभी मॉडर्न इंडिया में भी हमने जिक्र किया था, एक ही शक्ति से उत्पन्न हुई है सारी चीजें। मतलब ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति के भी संकेत ऋग्वेद में दिए गए हैं कि भाई उत्पत्ति जो हुई है उसके बारे में भी सृष्टि सूक्त करके एक दिया हुआ है उसमें, है ना। बट इन देवताओं का ज्यादा जिक्र मिलता है। मैं यहां नोट करके इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख लें। आप पहले लिखें इंद्र के बारे में, इंद्र के बारे में लिखें, सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है, सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है। ठीक है, इसी में लिखें इंद्र को युद्ध का देवता, इंद्र को युद्ध ऊपर से आवाज आ रही है ना। लिखे इंद्र को युद्ध कौमा बादल, युद्ध एवं बादल का देवता, तथा किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला, जहां आपने लिखा है दुर्ग को तोड़ने वाला, ब्रैकेट में लिखेंगे एक वर्ड पुरंदर, पुरंदर, दुर्ग को तोड़ने वाला, वहां ब्रैकेट में एक वर्ड लिखेंगे आप पुरंदर। दुर्ग को तोड़ने वाला कहा गया है। ये इंद्र के लिए ये सब आया है, जैसे युद्ध के देवता हैं वो, बादल के देवता हैं वो, ठीक है, दुर्ग को तोड़ने वाला कहा गया उन्हें, है ना। सर्वाधिक मंत्र इंद्र को ही समर्पित है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप अग्नि, लिखे महत्व के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर, महत्व के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर, यानी इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं ये। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो देवताओं तक पहुंचने का माध्यम है वो, है ना। अग्नि का हर काल में महत्व रहा है, हर धर्म में महत्व है किसी न किसी रूप में, कि भाई ये जीवन को बदलने वाला ज्ञान है ना, ये तो खोज था मतलब, तो इसका है ही महत्व, जीवनदायी इसका रोल है। अग्नि के बाद लिखें आप नेक्स्ट वरुण। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो ऑब्जेक्टिव के मकसद से लिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वरुण, वरुण के बारे में लिखें आप जल के देवता, जल के देवता तथा नैतिक नियमों के रक्षक, तथा नैतिक नियमों के रक्षक, ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप रित, नैतिक नियमों के रक्षक, ब्रैकेट में कर लेंगे आप रित,
एक बार यूपीएससी प्री में यह भी पूछा है रित के देवता के बारे में, रित कहा गया उसे। दुनिया में जो भी गलत हो रहा है सब वरुण देख रहे हैं, सबको सजा देंगे वो, ठीक है। ये है कि सारी व्यवस्था बनी रहे, मतलब यानी गलत ना करें, वरुण के नाम पे समझा जाता है कि वरुण सब देख रहे हैं, ठीक है। आगे लिखें आप, मरुत, मरुत आंधी के देवता, आंधी तूफान जो चलती है हवा, वायु पवन के देवता, इन सब देवताओं का नाम है, ठीक है, ऋग्वेद में है ना। इसी में लिखें आप एक और, पूषण, पूषण पशुओं के देवता, पूषण पशुओं के देवता लिखें, सोम वनस्पतियों के देवता, वनस्पतियों के देवता इत्यादि कर दीजिए आप। आप देखेंगे सारे देवताओं के जिससे जोड़, जिनसे जोड़ा गया जिन गुणों से, वो सब कहीं ना कहीं प्राकृतिक शक्तियां ही हैं। हम वनस्पति की बात करें, हम आंधी की बात करें, हम पवन की बात करें, बादल है ना, एक युद्ध को छोड़ दिया जाए तो बादल की बात करें, जल की बात करें, कहीं ना कहीं ये सब प्राकृतिक चीजें ही हैं जिनका दैवीयकरण किया जा रहा है, जिनका मानवीयकरण किया जा रहा है ना। ऋग्वेद को देखा जाए तो इन सब को ही और इनके लिए मंत्र, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बस ध्यान रखने होते हैं हमें ऑब्जेक्टिव के मकसद से, वरना कॉन्सेप्ट के रूप में हमने कह दिया बहुदेववादी समाज, बहुदेववादी धर्म, जैसे इन देवताओं की आराधना होती थी। समझ में आ रही बात सभी को? तो ऐसी इंफॉर्मेशन हर जगह थोड़े बहुत बढ़ते रहते हैं आपके। पॉइंट नंबर दो लिखें, अभी तो पहला पॉइंट था, देवताओं के साथ साथ देवियों के भी आराधना के उल्लेख, देवताओं के साथ साथ देवियों की भी आराधना के उल्लेख ठीक है, आराधना के उल्लेख है ना। लेकिन जैसे उषा, उषा कौमा अदिति, कौमा निशा रात्रि है ना, निशा इत्यादि देवियों की आराधना की जानकारी मिलती है। हालांकि देवताओं की तुलना में इनकी संख्या कम है, हालांकि देवताओं की तुलना में इनकी संख्या कम है, ठीक है, संख्या कम है, मंत्र कम है, तो देवी पूजा हो गई, देवताओं की पूजा भी हो गई है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, ऋग्वैदिक अधिकांशतः देवी देवताओं का संबंध प्राकृतिक तत्वों से है, ठीक है, जैसे बादल, जल, ठीक है, वनस्पति इत्यादि, ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति पूजा को बहुत ज्यादा महत्व, जो जीवन जी रहे हैं तो प्रकृति के ही अलग अलग तत्वों से सामना हो रहा है अपने भाई। सूर्योदय और रात्रि कंट्रोल में तो है नहीं, ऑब्वियस है, जब रात्रि होगी तो अंधेरा एक भय से होता होगा, तो भाई उसे भी एक देवी के रूप में आराधना शुरू। सुबह सूर्य की पहली किरण है, ठीक है, ऊषा काल, थोड़ा रीज बढ़ता है तो अदिति, ऐसे करके मतलब अलग अलग सूर्य की अवस्थाओं की भी कल्पना जो है ऋग्वेद में, सबका अपना एक महत्व है ना। तो प्राकृतिक शक्तियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है आराधना में, पूजा में। आगे लिखें आप, ठीक है, पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, ठीक है, मैक्सिमम बल है भौतिक सुखों पे कि जीवन कैसे बेहतर हो। आगे लिखें आप, ठीक है, पूजा के लिए प्रार्थना एवं यज्ञ, प्रार्थना एवं यज्ञ दोनों को महत्व दिया गया है। दोनों को महत्व दिया गया है, देखिए, लेकिन सार्वजनिक प्रार्थना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सार्वजनिक प्रार्थना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक प्रार्थना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आगे लिखें आप कि साक्ष्यों से मंदिर, मूर्ति पूजा, जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पूजा कराने वाले वर्ग का उल्लेख मिलता है। पूजा कराने वाले वर्ग का, पुरोहित वर्ग का उल्लेख मिलता है, ठीक है, पुरोहित वर्ग का उल्लेख मिलता है। ये हो गया ऋग्वैदिक कालीन जो तरीका है पूजा पाठ का, कैसे पूजा पाठ किया जा रहा है। मंदिर मूर्ति पर पूजा के साक्ष्य नहीं है, उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति है, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक कालीन धर्म, उत्तर वैदिककालीन धर्म, पहला पॉइंट लिखें, उत्तर वैदिक साहित्य से धार्मिक जीवन में निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों के तत्व दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, मतलब चीजें चली भी आ रही हैं, कुछ नए नए देवों की चर्चा भी, कुछ नए तरीकों की बात भी हो रही है इस उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इंद्र एवं वरुण की तुलना में प्रजापति विष्णु
एवं रुद्र को अधिक महत्व दिया गया है। प्रजापति विष्णु एवं रुद्र को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, महत्व दिया गया है। नेक्स्ट लिखें, अग्नि का महत्व इस काल में भी बना रहा। ठीक है, तथा प्रकृति पूजा एवं देवियों की आराधना भी। ठीक है, देवियों की आराधना भी पहले जैसा ही है। लिखें, पूजा का उद्देश्य भी पूर्ववर्ती काल की तरह पूजा का उद्देश्य भी पूर्ववर्ती काल की तरह लेकिन पूजा पाठ की पद्धति में लेकिन पूजा पाठ की पद्धति में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पूजा पाठ की पद्धति में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसे लिखे व्यक्तिगत प्रार्थना को अधिक महत्व। व्यक्तिगत प्रार्थना को अधिक महत्व को अधिक महत्व पहले सार्वजनिक प्रार्थना को महत्व था, अब क्या हुआ व्यक्तिगत प्रार्थना को अधिक महत्व। कौमा यज्ञ एवं कर्मकांडों यज्ञ एवं कर्मकांडों तथा पशु बलि इत्यादि पूजा पाठ की लोकप्रिय पद्धति के रूप में प्रचलित इत्यादि पूजा पाठ के लोकप्रिय पद्धति के रूप में प्रचलित ठीक है। अब इस काल में यज्ञ का पूजा पाठ की पद्धति के रूप में प्रचलित अब इस काल में यज्ञ का महत्व ज्यादा है। ठीक है, मंत्रों को उच्चारण पर बहुत ज्यादा बल है। जो पूजा कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं उसमें मंत्रों के उच्चारण पर निर्भर करेगा बहुत कुछ। ठीक है, मंत्रों के उच्चारण पर बहुत ज्यादा बल है और पशु बलि तमाम तरह के रिचुअल्स अनुष्ठान बहुत ज्यादा प्रचलित हैं इस दौर में। प्रार्थना है, आप देखोगे प्रार्थना या मंत्र जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और गायत्री मंत्र का तब से लेके अब तक है। प्रार्थना का महत्व है, मंत्रों का महत्व है, बट रिचुअल्स का भी महत्व बढ़ा है। बताया जाता है कि जीवन में थोड़ा स्थायित्व आया है, आबादी बढ़ी है, पूजा पाठ कराने वालों की संख्या भी बढ़ी है, तो कैसे दान दक्षिणा लिया जाए, शायद वो भी एक रीजन हो सकता है, शायद वह भी एक रीजन हो सकता है। इसमें कोई ये तो जीवन में देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि भाई जो पूजा पाठ पढ़ाने थे उनकी जीविका भी उससे चलती है बहुत सारे लोगों की, है ना। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कि स्वेच्छा से आप दान दीजिए वो कहेंगे नहीं आपको, एक होता है पहले से तय कर लेते कि मैं इतना ही पैसा लूंगा तो पूजा, तो अंतर तो है दोनों में। एक तो व्यवसाय है उनका भाई, ठीक है ना, एक धर्म को वैसे ही लेते कि नहीं बस हमने अपना कर्म किया, मतलब आप यजमान की जो इच्छा है, मतलब ठीक है ना, जो यज्ञ करा रहे हैं वो यजमान हो जाते हैं, ठीक है ना, यजमान की जो इच्छा है वो देंगे दान दक्षिणा, ठीक है। तो दो तरह की चीजें आपको दिखेंगे ना, तो पूजा पाठ की पद्धति में भी आपको बदलाव क्या होता है, एक काल से दूसरे काल में जो कुछ चेंजेस है बस उसको निकाल लेना है हमें। पैटर्न समझ में आ रहा है सभी को ना,
दूसरे काल में बस चेंजेस क्या हो रहा है यही इंपॉर्टेंट होता है एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में। आगे लिखें आप, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धर्म पे भी दिखाई पड़ता है। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धर्म पर भी दिखाई पड़ता है। और पूषण का शूद्र वर्ण के देवता के रूप में उल्लेख मिलता है। पूषण ये लिखा हुआ होगा बोर्ड पे, पूषण, पूषण का शूद्र वर्ण के देवता के रूप में उल्लेख मिलता है। शूद्र वर्ण के देवता के रूप में उल्लेख मिलता है, यानी देवताओं का भी बंटवारा हो रहा है, यानी समाज में जो भेदभाव बढ़ रहे हैं उसका ये भी एक प्रमाण आपको, जो पशुओं के देवता थे, ठीक है, तो वो भी बताता है कि नहीं भेदभाव तो बढ़ रहा है उसकी तरफ हम समाज जो है, ठीक है। आगे लिखें आप कि इस काल में भी मूर्ति पूजा एवं मंदिरों में पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। पुरोहितों का उल्लेख मिलता है, यानी अलग अलग पूजा कराने वाले अलग अलग वर्ग, स्पेशलाइजेशन काम शुरू हो गया, मतलब ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो गया इसमें पूजा कराने का भी, तो बड़ी संख्या में पुरोहितों की भी हमें जानकारी, तो ये भी एक चेंजेस यहां दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखें आप एक और आखिरी पॉइंट, उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों के द्वारा कर्मकांडों को चुनौती दी गई, तथा मोक्ष के लिए ज्ञान को महत्व दिया गया। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं दिखेंगी आपको, एक है पूजा पाठ कर्म कांड के द्वारा मोक्ष, एक है ज्ञान के द्वारा मोक्ष, दोनों धाराएं समाज में चलती हैं आज भी। ठीक है, क्योंकि ज्ञान वाला मसला थोड़ा जटिल होता है, काफी टाइम टेकिंग होता है, काफी अभ्यास की जरूरत होती है उसके लिए, है ना, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए। गुरु का मतलब मेरी तरफ मत देखिएगा आप लोग, ठीक है, मैं दूसरे मोक्ष के लिए हूं आपके पास, हिस्ट्री वाले मोक्ष के लिए हूं कि आप एग्जाम के लिए, ठीक है ना, वो जो उस तरह के गुरु होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है, मतलब बहुत गंभीरता से मत देखिए मेरी तरफ आप लोग, मैं ही कुछ मोक्ष दिलाऊंगा आपको, ठीक है ना। हिस्ट्री का जो आपका काम है वो तो मैं करा ही रहा हूं, उस मामले में आप मान सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है हिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं जीवन में, आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जो जीवन में अस्थायित्व आया, तो दो धाराएं हो गई, एक तरफ यज्ञ कर्मकांड इस पे बहुत ज्यादा बल, और एक तरफ बात की जाने लगी ज्ञान की, है ना, उपनिषद में जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आत्मा ब्रह्म इन सब विषयों पे खूब चर्चा है उसमें। अब उसके लिए तो बहुत समय चाहिए आपको, अभ्यास चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए,
ठीक है, वो तो मतलब या बहुत अध्ययन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऑब्वियस है ज्ञान मार्ग तो कुछ ही लोगों में जा पाएगा ना वो तो, बट रिचुअल्स जो होते हैं वो थोड़ा आसान होता है ना, मतलब आम लोगों के लिए जो थोड़ा समय निकाला, कुछ पूजा पाठ कर लिया उसने अपना, मतलब एक गृहस्थ के लिए रिचुअल्स ज्यादा आसान होता है, मतलब उनकी ही संख्या ज्यादा है तो उनका ही प्रचलन समाज में ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स के भी साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं। सामान्यतः मुझे बहुत ज्यादा तो देखो इन सब चीजों का ना तो जरूरत है हमें, ना मैंने कभी अध्ययन किया, बट जैसे पूजा पाठ वगैरह में मैं अक्सर देखता हूं, मतलब कि जो सामान्य पूजा पाठ की विधि होती है उसमें देखते हैं कि हम अलग अलग फसलों को, दूध को, घी को, मतलब उन चीजों को महत्व देते हैं, शहद को, जो एक तरह से जीवनदायी रही है, मतलब प्राकृतिक चीजों के लिए ही मंत्र शुरुआत होती है। कभी किसी ने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो सामान्य पूजा पाठ में भी, इवन सत्यनारायण भगवान वगैरह की भी कथा होती हो, ठीक है, तो आप देखेंगे आप शुरुआत वहीं से होती है, मतलब तो सबका कुछ ना कुछ साइंटिफिक आधार तो है ही, पर जब करने कराने वाले रूटीन में आ जाते हैं कि नहीं एक घंटे में मैं आपका पूजा कराऊंगा, अगले घंटे में मैं आपका कराऊंगा, ठीक है, तो वो हमने क्या कहा फिर, उनके लिए वो प्रोफेशन का हिस्सा हो गया, हो सकता है वो ठीक तरीके से करा रहे हो ना करा पा रहे हो, है ना। तो बहुत लोगों के लिए वो साधना का हिस्सा होता है। तो दोनों तरह के वर्ग लोग उस दौर में भी थे समाज में और आज भी हैं समाज में, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज भी बड़े विधिवत तरीके से, मतलब ठीक है पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, मतलब थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां उस तरह से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, मतलब ठीक है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कुछ वैसे विधिवत, जहां हमने पार्टिसिपेट किया, जहां जाने का मौका मिला है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है, वाकई उच्चारण का एक अलग इम्पैक्ट है, मतलब पूरा का पूरा वातावरण जो होता है वो प्यूरिफाई। कई लोगों का अनुभव है, मेरा खुद का भी ऐसा अनुभव हमने देखा है कि मतलब ठीक है, तो ऐसी परंपराएं भी हैं आज, मतलब तो दोनों तरह की बात आ गई। तो जीवन में तो आज देखो कि मोटे तौर पे जैसे हम देखो कि सनातन धर्म एक वर्ड यूज होता है, यहां कुछ बातों को समझ लीजिएगा आप। सनातन धर्म मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में उन धार्मिक विश्वासों के लिए यूज किया जाता है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। सनातन धर्म किसके लिए, भारतीय उपमहाद्वीप में, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, क्लियर। कब से ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं माना जाता है वो ईश्वर के द्वारा ऋषियों को दिया गया ज्ञान है। अब तक यह प्रमाणित नहीं कि उन मंत्रों की रचयिता कौन, ईश्वरीय माना जाता है, और ऋषियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रवाहित होता रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान है तो कब से चला रहा है पता नहीं, इसलिए इसको हम सनातन भी कहते हैं। समझ में आ रही बात सभी को, यस। क्योंकि वैदिक साहित्य इसका आधार है तो हम वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, क्लियर। सनातन भी कहते हैं इसको हम, इसको वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इस धर्म पे आप देखोगे ब्राह्मण नामक वर्ण का और पूजा पाठ कराने वाले वर्ग का ज्यादा प्रभाव रहा, और एक ब्राह्मण साहित्य भी है जिसमें कर्मकांडों और नियमों पे ज्यादा बल है, इसे हम ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, और छठी सदी ईसा पूर्व में पहली बार उल्लेख मिलता है, जो ईरानी थे वो सिंधु नदी और इधर जो प्रचलित विश्वास वगैरह थे, लोग वगैरह थे, उनको उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। सिंधु को उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। तो एक ये भी मत है कि यहां प्रचलित सभी प्रकार के विश्वासों के लिए हिंदू धर्म, पूर्व मध्यकाल में शब्द थोड़ा लोकप्रिय अधिक हो जाएगा हिंदू जो है, बट इसका छठी सदी ईसा पूर्व से शुरू हो गया। तो सनातन, वैदिक, ब्राह्मण, हिंदू, ठीक है, बस वो एक
कैसे उसको हम कहते हैं, कैसे उसको हम लेते हैं, ये देखने वाली बात है, वरना है एक ही चीज। सनातन अनादिकाल से सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, ठीक है। वैदिक हमने बता ही दिया आपको, ब्राह्मण के बारे में बता ही दिया आपको, और हिंदू जानकारी के लिए, है ना। ये बेस है, आज भी हिंदू धर्म की ये बुनियाद है। वेदों की व्याख्या से ही सब चीजें निकली हैं। रहन सरस्वती कहते हैं कि कई बार वेदों की व्याख्या में समस्या हो सकती है, तो भी अपनी बुद्धि का यूज करिए। बाद में बहुत सारी व्याख्याएं हो सकता है बहुत, ठीक है, वो उसको नहीं मानते हैं और खुद व्याख्या भी करते हैं वो वेद भाष से, ठीक है, ऐसे वो कहते हैं ना। तो वेद को ही आधार ग्रंथ माना गया है। फिर समय के साथ साथ, चूंकि मौखिक परंपरा में प्रवाहित होती रही है, समय के साथ साथ हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के विश्वास प्रचलित रहे हैं। समझो इस धरा में जितने भी विश्वास प्रचलित रहे हैं सबको हिंदू धर्म का हिस्सा, कहीं ना कहीं सबको हिंदू धर्म में समाहित किया गया है साहित्य में, उसको हिस्सा माना गया है ना, उसका पार्ट माना गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अभी जब हम आगे आएंगे भी हम देखेंगे, हम तो यही विश्वास चलता रहेगा आगे भी। गुप्त काल तक आते आते इसमें कई नई चीजें जुड़ जाएंगे। अब हम गुप्त काल में आपसे बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में, बाकी यही विशेषताएं बुद्ध काल में भी, मौर्य काल में भी, मौर्योत्तर काल में भी चल रही है। कुछ नई नई चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी, हम उसकी बात करेंगे आपसे जब आगे चल करके, ठीक है। कल्चर में धर्म को महत्व दिया गया है क्योंकि इसकी अधिकांशता चीजें आज जीवन में हूबहू हम देखते हैं। अब तक जो हमने नहीं बात की वो सब गुप्त काल में बात कर लेंगे, जो हम आज और देखते हैं हिंदू धर्म में। ऐसे ही बौद्ध और जैन धर्म की महत्वपूर्ण बातों पे भी कर लेंगे हम। मध्यकाल में आएंगे तो हम लोग इस्लाम सिख धर्म की भी बात करेंगे हम। कल्चर पे जो आपको नोट दिया गया है उसमें अलग से एक धर्म के बारे में दिया गया है, एक पूरा बुकलेट ही होगा, मतलब एक चैप्टर होगा, उसमें हर धर्म की महत्वपूर्ण बातें उसमें बताई गई है सारांश के रूप में। वो पढ़ना है आपको, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब, क्लियर। अब एक लास्ट पहलू है इसका, साहित्य वैदिक काल का। आपको एक हैंडआउट दिया गया था, है क्या आपके पास एक हैंडआउट दिया गया, लेके आए क्या आप लोग? साहित्य के ऊपर आपको एक हैंडआउट दिया गया है, दो पेज का है। चलिए मैं बोर्ड पे थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूं, है ना, फिर आप हैंडआउट देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वैदिक साहित्य, जब हम कहते हैं वैदिक साहित्य तो इसमें आप वेद, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, वैदिक साहित्य का चार भागों में वर्गीकरण है, वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, ठीक है। ये तो सबको पता ही कि वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो वेद हैं, प्रत्येक वेद के साथ कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए नाम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आरण्यक छोड़ देते हैं यहां पे हम लोग। उपनिषद में भी ऐतरेय उपनिषद है, ठीक है, मैं बता रहा हूं इसका मतलब आपको, ठीक है। चार वेद हैं, वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी हैं, उपनिषद ग्रंथ भी हैं,
वेद में क्या है, मंत्रों का संकलन है। प्रथम तीन वेद में मंत्रों का संकलन है, चौथे वेद में एक मंत्र के साथ साथ वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पूजा पाठ की पद्धति, भूत प्रेत, अंधविश्वास, आयुर्वेद, आ रही बात समझ में? भूत प्रेत, अंधविश्वास, आयुर्वेद, इन सब का भी उल्लेख मिलता है। प्रथम तीन वेद को हम त्रय भी कहते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है सब, एक बार मैं समझा रहा हूं आपको। प्रथम तीन वेद को हम त्रय भी कहते हैं, क्योंकि सुनते थे लोग इसको, वेदों को मतलब गुरु उच्चारण करते थे, सुनते थे तो श्रुति भी कहते हैं, संकलन किया गया तो वेद को संहिता भी कहते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं, सुन लीजिए आप एक बार, लिखा हुआ है नोट्स के अंदर में। आगे चल करके वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या हुआ, उसी वेद को आधार बनाते हुए उसकी एक तरह से कर्मकांडीय व्याख्या, एक ही नहीं बड़ी संख्या में ग्रंथ लिखे, 18 ब्राह्मण साहित्य है टोटल। मैं 18 के बारे में ना तो वहां परिचय न लिखने पढ़ने की जरूरत है। तो इससे जुड़ा हुआ है ब्राह्मण, अरण्यक क्या है, अरण्यक में एक तरह से कर्मकांडों पे संदेश व्यक्त किया जा रहा है, और एकांत में ध्यान वगैरह की बात की जा रही है। उपनिषद क्या है, उपनिषद भी अरण्य का विस्तार है, उसमें भी कर्मकांडों पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं और ज्ञान की बात की जा रही है। तो एक ऋग्वेद की कर्मकांडीय व्याख्या हो गई, अनुष्ठानिक व्याख्या हो गई, और एक ज्ञान मार्गीय व्याख्या हो गई। ऐसे करके बहुत विपुल साहित्य है, विशाल साहित्य है, ठीक है। यजुर्वेद है, यह भी मंत्रों का ही संकलन है। इसके साथ जो फेमस ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों में ये दो नाम ध्यान देने चाहिए आपको, ऐत्रेय और सतपथ। जब आप किताब पढ़ोगे तो लेखक इसका यूज ज्यादा करते हैं। और उपनिषद में एक है बृहदारण्यक, ठीक है, नोट्स में दिया हुआ मेंशन है। सामवेद के बारे में अलग से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम अथर्वेद के बारे में अलग से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हम कोई अलग से कोई जानकारी नहीं ले रहे हैं। हम सामवेद के बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा, संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। सामवेद को भारत में संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और सामवेद में मैक्सिमम ऋग्वेद के ही मंत्र हैं जिनको गायन की शैली में प्रस्तुत किया गया। तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी वैसी फैक्चुअल नहीं रखनी है, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं आपको। जैसे वैदिक साहित्य में क्या आता है तो ये बता दिया गया था आपको हैंडआउट्स में, तो ये चारों चीजें आती हैं। सिंपली कभी पूछ सकते हैं आपसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदों के बारे में एक परिचय दिया गया है 5-6 पॉइंट्स के, वो ध्यान रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के मकसद से। ऋग्वेद के बारे में जो कुछ बताया गया इसमें आप, ठीक है ना, कम से कम ऋग्वेद पे जो लिखा हुआ है इसमें 12-15 पॉइंट है, पहला 2 पॉइंट और आखिरी के 4 पॉइंट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, मैं कह दे रहा हूं आपको, और भी जानकारी है उसमें, है ना। सामवेद जो लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, यजुर्वेद एज इट इज, अथर्वेद एज इट इज पढ़ लीजिएगा आप, इसमें ऋग्वेद में कटौती कर सकते हैं ना। ब्राह्मण ग्रंथ में केवल ब्राह्मण ग्रंथ का जो अर्थ बताया गया वो पढ़िएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन का ना अंत कुछ भी नहीं होता है, आईएएस के लिए यूपीपीसीएस में काम आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, आईएएस के लिए मैं कह रहा हूं आप। अरण्य का अर्थ बताया गया वो ध्यान रखिएगा आप, उपनिषद का जो अर्थ बताया वो देख लीजिएगा, बाकी आप ऐसे एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा आप, किस उपनिषद में क्या कहा गया ये संभव नहीं बहुत याद रखना। एक मुंडको उपनिषद चूंकि बड़ा फेमस है, सप्तमेव जयते हमने लिया भी हुआ है, तो यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था, वो जीके का सवाल है, अदरवाइज किसमें क्या कहा गया है बहुत मुश्किल काम होता है याद रखना, फिर भी सपोर्ट में दे दिया गया है उसको हैंडआउट्स के तौर पे, ठीक है। तो अरण्य का मतलब, ब्राह्मण का मतलब क्या, ये ध्यान रखना है। वेद का मतलब क्या है, उपनिषद का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना है आपको, इतना ही ध्यान रखना है आपको। क्लियर सभी को?
यानी इन्फॉर्मेशन इसमें डबल है, तो हमने समझा दिया इसको हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यह समझ लो कि हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो भी पढ़ा वो इन्हीं साहित्य के आधार पर पढ़ा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख लो आप समझने के लिए जरा एक बार। लिखो, वैदिक साहित्य का संक्षेप में परिचय देते हुए, वैदिक साहित्य का संक्षेप में परिचय देते हुए संक्षेप में परिचय देते हुए समकालीन संस्कृति को बताएं। ठीक है, अब पूरा जो वैदिक काल आपने पढ़ा पिछले 4-5 घंटे में, उसको हमने एक क्वेश्चन में रख दिया। वैदिक साहित्य का यानी इंट्रोडक्शन, मतलब वैदिक साहित्य में यह आता है, बता दिया हमने। और वैदिक साहित्य के आधार पर उस दौर का समाज कैसा था, उस दौर का धर्म कैसा था, पहले इसको बता दिया। थोड़ा समय बच गया तो अर्थव्यवस्था राजनीति के बारे में बात कर ली एक दो लाइन में। समझ में आ रही बात सभी को? तो साहित्य का ये इंपॉर्टेंस है कि हम जो पढ़ते हैं वो साहित्य के आधार पर पढ़ते हैं। मेंस के सिलेबस में साहित्य को अलग से हाईलाइट किया गया है। पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी न किसी रूप में साहित्य पे प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में, और पिछले 4 या 5 वर्षों से 1 या 2 क्वेश्चन साहित्य पे पीटी में लगातार पूछे जा रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है क्या सभी को? अच्छा, जगे हुए हैं सब के सब। मैंने कहा पिछले 3 वर्षों से लगातार साहित्य में एक मेंस पे प्रश्न है, पिछले 4 या 5 वर्षों से साहित्य पे लगातार एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंशिएंट साहित्य से ही। ठीक है, तो हम जो भी, जैसे आपसे सवाल ये आ जाए कि भाई ऋग्वैदिक साहित्य के आधार पर ऋग्वैदिक संस्कृति को बताएं, तब भी आप लिखेंगे जो आपको बताया गया है। कभी आपसे आ जाए कि भाई वैदिक साहित्य का संक्षेप में परिचय देते हुए वैदिक कालीन धर्म पर टिप्पणी करें, ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को? धर्म की विशेषताएं आपको बता दी गई हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो फैक्चुअल जानकारी हो सकती है वो सब आपको दिया गया है ना। पढ़ना आपको क्लास नोट्स है, और जब भी समय मिले तो आप मान के चलिएगा आर्य शर्मा कुछ कुछ बातें बहुत इररिलेवेंट हैं, क्योंकि वो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं तो वो अपने दृष्टिकोण को उसमें रख रहे हैं। वो उन सब में मत जाइएगा कि वो गाय मांस खाते थे, ठीक है ना, इन सब चीजों में मत पढ़िएगा। ठीक है, वो मार्क्सवादी है तो कुछ होता है ना, जैसे आप कुछ सीमाएं होती है लेखन की भी। हमें चूंकि वो एक बहुत कंप्लीट जैसा बुक है अपने आप में, इंफॉर्मेशन के मामले में, विश्लेषण के मामले में, इसलिए हमें उसी किताब को बेस बनाना पड़ता है। विवादास्पद चीजों से हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है, उसका ना एग्जाम में 1 पैसे का रोल है। वो जानबूझ करके कुछ कुछ वो बातों का, ऐसे मध्यकाल में भी होता है ना, तो हमें उससे अलग रहना है। जितना जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखना आपको। क्लियर? ठीक है। अब जैसे आपसे कभी आ जाए सवाल, जैसे हमने कहा था हर टॉपिक पे विरासत, ठीक है, सिलेबस क्या था? प्राचीन से मध्यकालीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, तो भाई संस्कृति के बारे में बताई दिया मैंने आपको। वैदिक कालीन विरासत क्या है आपसे पूछ लिया जाए, बहुत पॉइंट है उसके अंदर। आप केवल ये देखिएगा इसकी कौन कौन सी बातें हैं जो उसी रूप में या बदले हुए रूप में परवर्ती काल या आज भी हमारे जीवन में। देखो, अधिकांशतः भाषाओं का आधार ही हमारा वैदिक संस्कृत है, पहली बात तो, नंबर 1। नंबर 2, जो पूजा पाठ की पद्धति है, जो हिंदू समाज, जो सनातन धर्म है, आज भी उसका आधार ही वैदिक धर्म है। तो इतना ही विरासत में आपके 250 सब निकल जाएंगे। समाज की बहुत सारी बातें आज भी जीवन में है, यस और नो? किसी न किसी रूप में वर्ण आश्रम व्यवस्था की तो बात होती है ना, आश्रम, पुरुषार्थ, गोत्र प्रथा, विवाह, अंतिम संस्कार,
वो सारे विचार वगैरह समाज में प्रचलित है, तो पर्याप्त बातें उसमें हैं जिसे हम आज अपने जीवन में हम, तो जो क्वेश्चन का नेचर है यूपीएससी का, जैसे विरासत पूछने का मतलब क्या कि थोड़ा समझा हुआ और जीवन को आप देख रहे हैं तो वैसे लिख देंगे, आपको किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। विरासत दिया ही गया है व्यवहारिक ज्ञान के लिए। एक आईएएस एस्पिरेंट अपने कल्चर को कितना और हेरिटेज को कितना बेहतर तरीके से समझता है। विरासत वाले क्वेश्चन बहुत सरल होंगे, जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया उसमें से निकाल लेना है आपको क्या चीज है, दिया ही गया इसलिए। हम सब अपने साथ यहां बैठे हुए सभी लोग किसी न किसी रूप में वैदिक कालीन विरासत को हम कैरी, कभी हो सकता किसी को बड़ा अजीब लगे पर जाने अनजाने हम उस विरासत को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 4, टोटल 10 यूनिट हमारा एंसेंट हिस्ट्री में। पहला याद है क्या, पाषाण काल? नहीं याद होगा तो ऊपर वाले क्लासरूम को याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, रिमेंबर सभी को हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पढ़ाया था, एक बार टॉपिक बताऊं क्या मैं आपको, पाषाण काल में क्या क्या पढ़ाया था ध्यान दिलाऊं क्या मैं आपको, एक बार पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, तीनों टॉपिक में तीन बातें पढ़नी थी हमें, भौगोलिक वितरण, उपकरण और जीवन यापन। रिविजन कर रहे हो ना एकदम? रिविजन करके एकदम बैठा लेना, उसके बाद जैसे होता है ना जो एकदम फ्री जो पशु होते हैं कहीं भी चले जाए मतलब चरने के लिए, ठीक है ठीक है, आप बस वैसे अपने आप को मान लेना। उसके बाद जो पढ़ना जानना हो, मतलब मेरी जो बाउंड्री जो मैं खींच रहा हूं उसको बस छोड़ना नहीं है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे उससे, मेंस में तो सरती अच्छा करेंगे, मेंस का मैं कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता हूं क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई लिखेगा ही नहीं वहां, ये एकदम क्लियर है। पीटी का कोई लिमिट नहीं होता है और हिस्ट्री का तो कोई लिमिट ही नहीं है, एक एक वेद के जानकार, वेद में साहित्य है तो क्या उसका लिमिट है, कोई लिमिट है क्या उसका, नहीं लिमिट। इसलिए जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद आप फ्री हैं। इसको याद रखने के बाद कुछ आपको लगता है थोड़ा बहुत और कहीं चारा चरने की जरूरत है, मैं तो मना करूंगा, ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ कहीं ठीक है हाँ घूमने फिरने की जरूरत है, देखिएगा आप, मतलब इधर उधर भटकने के बाद वापस आ जाएंगे घर में, मुझे भरोसा रहता है ना। आप मेरी परंपरा में पहला बैच नहीं है, आप मेरी परंपरा में पहले बैच नहीं है, आप है ना, एक मेरी अज्ञात बहुत लंबी परंपरा है, जब आप आगे जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको टकराएगा और मिलेगा जीवन में आपको, ठीक है ना, अब वो बताएगा, मैं भरोसा रखता हूं वैसे, मतलब कि यदि एक साल में 5000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूंगा तो 9990 स्टूडेंट तो भरोसा कर ही रहा होगा, ठीक है, ऐसा अनुभव है मेरा, मैं एकदम से दबाव नहीं बना रहा हूं आपके ऊपर, ठीक है ना, मैं फ्री छोड़ देता हूं, आप उन्मुक्त हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं किसी स्टूडेंट को कि भाई जब तुम्हें कोई डाउट हो ना तो एक टॉपिक छोड़ दो, मुझसे ना पढ़ो, तुम्हें जहां से लगता है वहां से पढ़ के देखो, तो किसी भी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न जहां लगे, ठीक है, एक टॉपिक मुझसे ना पढ़ो, छोड़ दो, ये लेते जाओ भाई, अमन थैंक यू, ठीक है, तो फिर वो बात समझ में आ जाती है उसके बाद, ठीक है। यहां पे भी लोग पूछते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, पर बाकी जो लोग पढ़ते हैं मैं ये पूछता हूं कि इसके अलावा पढ़ के मैं हर बार देखता हूं यहां से सॉल्व हुआ तो हुआ, कुछ भी पढ़ के सॉल्व नहीं हो रहा है वो, या तो करंट अफेयर से सॉल्व होगा वो, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सर मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लूं क्या इतना पढ़ने के बाद भी, तो उन वीर पुरुष या वीरांगनाओं को मैं, जो वीरांगना है उनको बड़ा सम्मान कि तुम, जैसे मैं तो पढ़ के बैठा हूं, तुम क्या सॉल्व करोगे मुझे समझ में नहीं आता है 1200-1500 पेज पढ़ के, ठीक है, इतनी बार समझाने के बाद भी, जैसे आप, हमने कहा या तो स्पेक्ट्रम पढ़ना या अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना, एक ही बार में क्लियर कर दिया, तो इधर मत पढ़ो फिर आप, उतना रिस्क आप पढ़ने पे ध्यान दो, उतना रिस्क लेके चलते हैं इस एग्जाम में हमेशा, ऐसा नहीं होता है कि ठीक है, बस जो पढ़े परफेक्शन के साथ ताकि उसको हम
कॉन्फिडेंट रहे कि ये हम जानते हैं और ये नहीं जानते हैं। जब वो द्वंद्व पैदा होता है ना तो समस्या पैदा होती है। कॉन्फिडेंट रहिए केवल आप, मतलब हम लोग हमेशा एक सुझाव देते हैं कि जैसे एक टॉपिक पे 10 किताब पढ़िए आप, और एक टॉपिक को एक किताब से 10 बार पढ़िए आप, या 10 किताब पढ़ लीजिए वैदिक काल पे आप, और इस नोट्स को 10 बार पढ़ लीजिए आप। अब आप देखिए कहां ऑर्गेनाइज महसूस करते हैं आप, किताब पे भी वही लागू होता है। ठीक है, तो हर एरिया की महत्वपूर्ण बातों को, चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो, जबकि सब जगह इंफॉर्मेशन बहुत है, महत्वपूर्ण बातों को समझने योग्य बातों को समझते हुए हमसे एक बुद्धिजीवी वाली अपेक्षा है, साथ साथ थोड़ी इंफॉर्मेशन वाली भी अपेक्षा तो है ही। एक जमाना ऐसा आ गया जहां लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है, ये एक ऐसा जमाना है जहां लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी कई बार याद, सच्चाई है ना ये, यस और नो? परिवार के सभी मेंबर के नंबर तो नहीं याद रहते हैं सबको, तो अच्छी बात है याद रखते हैं, तो अब यहां पे भी याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है, यहां भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में सामान्य जानकारी आपको दी गई थी, आपको एक एक्स्ट्रा हैंडआउट दिया गया है ना, हैंडआउट्स में जिन भौगोलिक शहरों का नाम हमने, मतलब प्लेसेस का नाम हमने लिया है, हैंडआउट से केवल नदियों का नाम आप देख लीजिएगा, हैंडआउट में बहुत जानकारी है। क्लियर सभी को ना? जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बस नदी का नाम केवल ऐड कर लीजिएगा हैंडआउट से, वरना हैंडआउट में जितना मैंने बताया उससे 10 गुना जानकारी ज्यादा है। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा आप उसे, वो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस के लिए आपको दिया है, मैं मना भी कर दे रहा हूं, बस आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे पास भी है। क्लियर ना सभी को? इतना ही करिएगा आप। हड़प्पन राजनीति याद है क्या? थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मैंने आपको, यस? क्या समाज के बारे में कुछ कुछ बातें बताई थी, समाज जैसे मैं बोलूं स्ट्रक्चर, वर्गों के बारे में, महिलाओं के बारे में, परिवार के बारे में, खान पान, स्ट्रक्चर पहले लाइए आप, रिकॉल करिए उसको। मतलब दो दो तीन तीन घंटे का खेल है, 12, 14, 13 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका ये, 3 घंटे एफर्ट लगा दोगे, यानी 3 घंटे यहां और 3-3 घंटे घर पे, थोड़ा रिवीजन, 50-60 घंटे में ये पैक हो जाएगा आपका। उसके बाद आप, हमने कहा फ्री हैं आप, कुछ कहीं चारा दिखे तो आप चर सकते हैं। वैसे सरकार जल्दी कानून बनाने वाली है इसके बारे में भी, है ना, छुट्टा पशुओं के ऊपर है, यूपी चुनाव में खूब चर्चा चल रहा है, सरकार ने मतलब बहुत जल्दी गंभीरता से विचार करेंगे इसके ऊपर। इकोनॉमी में हमने कुछ तथ्य बताए थे आपको, हड़प्पन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, शिल्प, इकोनॉमी बोलते ढाका पहले, उसके तथ्य। कला में टाउन प्लानिंग के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंफॉर्मेशन, मूर्तिकला, चित्रकला, धर्म के बारे में आपको बताया था, पतन के बारे में बताया था आपको, टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं ना, ताम्रका पाषाण काल के बारे में न्यूनतम जानकारी हड़प्पाई क्षेत्र में हमने बताया, कालक्रम मैंने आपको समझाया, ठीक है, और जो अलग अलग क्षेत्र आधारित संस्कृतियां थी, इसमें जैसे आहार के बारे में बताया मैंने आपको, आहार या गिलुंद वहां एक और सेंटर रहा है बनास नदी घाटी में, है ना, ऐसे कैथा, मलवा, मालवा और जोरवे, फिर ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू जैसे बर्तन जिक्र किया, पाठ खत्म कर देते। वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा, एक भौगोलिक ज्ञान के बारे में बताया, ठीक है, साहित्य के बारे में जानकारी आपको दे दी, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, एग्रेसिव तरीके से सबको बैठाते जाइएगा। क्लियर? यस। आते हैं हम अगले 5वें विकेट की तरफ, चलते हैं हम, है ना, ये हमारा जो अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये भी
यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है हमें। और अभी लास्ट ईयर प्रीलिम्स को छोड़ दिया जाए तो पिछले 15-20 वर्षों में शायद कभी ऐसा ना हुआ हो जब बौद्ध धर्म से एक या दो प्रश्न ना पूछे गए। अभी पहली बार ऐसा हो जब बौद्ध धर्म से प्रश्न नहीं आया जो भी प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत ज्यादा महत्व है आज हमारे जीवन में, सामान्य जीवन में भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी, दुनिया के समस्याओं के संदर्भ में भी। जिसका जितना ज्यादा रेलिवेंट यूपीएससी उसको उतना ज्यादा महत्व देती है एग्जाम में, एक तरीका समझिएगा आप इसको, ठीक है। इस टॉपिक को हम कहते क्या हैं, इस टॉपिक को हम कई नामों से, जैसे बुद्ध काल, सूत्र काल, ठीक है, ठीक है, बुद्ध काल, सूत्र काल, महाजनपद काल, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 6th century BC से 4th century BC। ठीक है, 6th century BC से 4th century BC, ठीक है, लगभग 300 साल का ये टाइम पीरियड है। ये भी इसको कालखंडों में तो बांट नहीं सकते हम। बुद्ध के प्रभाव के कारण इसे हम बुद्ध काल भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को समझने के लिए यहां पे फिर एक धार्मिक साहित्य की रचना हो जिसे सूत्र साहित्य कहते हैं, उसे हम वेदांग भी कहते हैं, तो सूत्र काल भी कहते हैं। और बड़े बड़े राज्यों का युग है ये, इसे महाजनपद कहा गया तो महाजनपद काल भी कहते हैं। एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो उपनिषद है ना, उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। इंफॉर्मेशन ग्रुप में ध्यान रखिएगा आप, उपनिषद को वेदांत इंफॉर्मेशन है, बस ये ऐड रखिएगा आप, है ना, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी में, इसमें पढ़ना क्या है हमें, या फिर एक बार हम अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाज, राजनीति, धर्म और साहित्य। ठीक है, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, धर्म और साहित्य, ठीक है। वैदिक काल में भी हमें कोई कलात्मक साक्ष्य तो मिलते नहीं है, इस काल में भी कोई कलात्मक साक्ष्य नहीं मिलते हमें शिल्प के अलावा, ठीक है। ये इन पांच पहलुओं का अध्ययन करना है। इस दौर के साहित्य के बारे में भी हम जानकारी, हर दौर का साहित्य इकट्ठा करते चलेंगे, हम दिमाग में बैठाते चलेंगे। अर्थव्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जो मैंने बताया था आपको, उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखें आप जरा बुद्ध युगीन अर्थव्यवस्था के बारे में, पहला पॉइंट लिखें आप कि लौह उपकरणों का कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग ठीक है, कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, लौह उपकरणों का कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग, इसी में दूसरा पॉइंट लिखे कृषि के बारे में ही। ये मैं बुद्धयुगीन कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट लिखे आप, चावल के रोपाई के साक्ष्य, चावल के रोपाई के साक्ष्य, रोपे जाने के साक्ष्य। नेक्स्ट लिखें आप,
भूमि स्वामित्व का उल्लेख भूमि स्वामित्व का उल्लेख ब्रैकेट में लिखेंगे बड़े बड़े भूमिपतियों की साहित्य में चर्चा साहित्य में चर्चा लिखें एक और पॉइंट जनसंख्या वृद्धि के साक्ष्य तथा दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने के साक्ष्य दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने के साक्ष्य ठीक है दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में दासों को उत्पादन कार्य में लगाया जा रहा था क्या नहीं भूस्वामित्व का उस समय उल्लेख मिलता है नहीं मिलता है हमें हमने जिक्र नहीं किया आपको चावल की रुपाई का कोई उल्लेख नहीं हाँ लौह उपकरणों का खेती में उपयोग हो रहा था बड़े पैमाने उपयोग ये सारी चीजें बताती हैं कि इस दौर में जनसंख्या भी बढ़ी है इस समय शहरों की संरचना किलोमीटर में फैली हुई है अब आवासीय संरचना की बहुत सारी जानकारी मिल रही है ये सारी चीजें बताती हैं इस दौर में अधिशेष उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है ठीक है एक और पॉइंट लिख लें आप ये सभी तथ्य रेखांकित करते हैं कि गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पादन हो रहा था गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पादन हो रहा था ठीक है आवश्यकता से अधिक उत्पादन है ना एक तो हो गया आपका ये पशुपालन भी अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको अलग से पशुपालन हर दौर में रहता है शुरू में जो नई नई जानकारी पहली बार पशुपालन का साक्ष्य पुरापाषाण मध्यपाषाण नवपाषाण किस काल से मिलता है मध्यपाषाण काल से मध्यपाषाण काल के कौन से स्थलों से आदमगढ़ और बागोर से मिलता है आदमगढ़ किस स्टेट में पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर राजस्थान में पड़ता है ठीक है ताम्रपाषाण काल में भी पशुपालन है हड़प्पा में भी पशुपालन वैदिक काल में भी पशुपालन ये सब उल्लेख हमने किया है ना अब एस्टैब्लिश्ड है पशुपालन उसके बारे में अलग से कोई बात बस ये था कि पशु बलि का प्रचलन बहुत था ठीक है उत्तर वैदिक काल में है ना पशु बलि का प्रचलन बहुत था खैर अब लिखें शिल्प के बारे में शिल्प लिखें देखो जब मैं कहता हूं ना समकालीन साहित्य तो जैसे बौद्ध साहित्य हो गया ठीक है बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है सुत पिटक विनय पिटक अभिधम पिटक जातक कथाएं हैं सुत निपात हैं ऐसे करके कुछ कुछ किताबों का उल्लेख मिलेगा जैन साहित्य भी है काफी समृद्ध है बट इतिहास निर्माण में इसका थोड़ा यूज कम किया गया है ठीक है जैन साहित्य में अंग हैं उपांग है ऐसे करके और फिर सूत्र साहित्य है सूत्र साहित्य के भी 6 भाग हैं जिसमें खास करके जो गृह सूत्र वगैरह है धर्म सूत्र है उन सब का बड़ा महत्व है ठीक है इस दौर में तो हम कहते हैं ना समकालीन साहित्य यानी इनके आधार पर ही किसी भी काल के बारे में पढ़ते हैं तो उस दौर का साहित्य और उस दौर का पुरातत्व इतिहासकार दोनों को मिला करके उस दौर की राजनीति समाज अर्थव्यवस्था जो साहित्य में हो पुरातत्व में भी मिल जाए काल निर्धारण के बाद उसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है यह इतिहास लिखने का तरीका होता है
तो अक्सर जब आप किताब पढ़ोगे तो साहित्य ही मैक्सिमम चलेगा आपको, बीच बीच में एनबीपीडब्ल्यू स्थलों से ये मिला है, एनबीपीडब्ल्यू स्थलों से ये मिला है, तो उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। हर दौर में हम लोग पुरातत्व का भी यूज करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं समकालीन साहित्य है ना, तो देखो समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। लेकिन साथ ही शिल्पों के विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन एवं शिल्पों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों की जानकारी गिल्ड, विभिन्न श्रेणियों की जानकारी भी, अब देखो बदलाव क्या आया इस समय उत्तर वैदिक काल से तुलना में। यहां पे स्पेशलाइजेशन, जैसे एक जगह है तो पता चला हाथी दांत का ही काम हो रहा है, एक ऐसी गली है केवल स्वर्णकारों की गली है, एक बर्तन निर्माताओं की गली है, ठीक है, एक बर्तन निर्माताओं की गली। जैसे आर्य शर्मा एग्जाम्पल देते हैं, वैशाली में एक जगह है, वहां पे एक साथ 500 कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख मिलता है, एक साथ इतने सारे बर्तन बनाने वाले हैं। समकालीन साहित्य में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है, जैसे बर्तन बनाने वालों का एक संगठन, कपड़ा बनाने वालों का संगठन, लकड़ी वालों का संगठन है, ऐसे करके है ना, उनका अपना यूनियन। उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता था हमें, क्या चेंज दिखाई पड़ता है हमें, गिल्ड, हमें क्या दिखाई पड़ता है, स्पेशलाइजेशन, अलग अलग गलियां, कभी अलग अलग गांव, ऐसे करके, ठीक है। इसी में एग्जांपल ले लिया, जैसे वैशाली में एक ही स्थल पर पांच सौ कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख एक ही स्थल पर 500 कुम्हारों के दुकानों का उल्लेख, ठीक है, तो शिल्प हो गया। आके आप लिखें व्यापार, व्यापार लिखें आप, कि समकालीन साहित्य से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का उल्लेख ठीक है। देखो जैसे जातक कथाओं में, जातक साहित्य में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख मिलता है, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख मिलता है, इसी में एक एग्जांपल और लिख लें आप कि बुद्ध काल में एनबीपीडब्ल्यू नामक बर्तन, NBPW नामक बर्तन
उसका देश के अलग अलग हिस्सों से साक्ष्य, ठीक है। एक ऐसा बर्तन है जो पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में, उत्तर भारत में तो बहुतायत में मिल रहे हैं, नॉर्दर्न लेक पॉलिश वेयर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका ट्रेड, मतलब एक पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। जातक ग्रंथ में विभिन्न शहरों के बीच व्यापार, व्यापारियों का, इन सब का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हमने क्या करा, सीमित स्तर पे व्यापार की जानकारी। यहां पे आंतरिक व्यापार भी बड़े पैमाने पर, ठीक है, और बाह्य व्यापार के भी प्रमाण। तो क्या चेंजेज आया उत्तर वैदिक काल की तुलना में? फिर इस बात को नोटिस करिएगा, पिछले काल की तुलना में जो चेंजेज आ रहा है, मैं केवल वही बता रहा हूं आपको। समझ में आ रही बात सभी को ना? केवल चेंजेस, किन किन वस्तुओं का व्यापार था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो हम लेंगे, नहीं तो फिर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे सिक्कों के बारे में लिखिए आप। इसी काल में पहली बार सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य इसी काल में पहली बार सिक्कों के प्रचलन साक्ष्य कौमा सर्वप्रथम 5वीं सदी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 5वीं सदी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से सिक्कों के साक्ष्य, एवं मगध से सिक्कों के साक्ष्य, ठीक है। पहली बार बुद्ध काल में सिक्के कब मिल रहे हैं? 5वीं सदी ईसा पूर्व से। किस क्षेत्र से पहली बार मिलते हैं? तो एक ही साथ लिखा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिलते हैं। कौमा चांदी एवं तांबे के सिक्के, ठीक है, चांदी एवं तांबे के सिक्के। ऐसा माना जाता है कि पहला सिक्का शायद चांदी का बनाया गया हो, मतलब है ना। आर्य शर्मा कहते हैं कि संभवतः जो प्राथमिक सिक्का रहा होगा वो चांदी का रहा होगा। कौमा इन सिक्कों पर लेख नहीं है बल्कि कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इन सिक्कों पर लेख नहीं है बल्कि कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है सिक्कों पे, ठीक है। कुछ कुछ आकृति है, जैसे मान लो किसी पेड़ की आकृति है या कोई जीव जंतु की आकृति ऐसे बनी हुई है। इसी में लिखे आप, इन सिक्कों को पंच मार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं। इन सिक्कों को पंच मार्क्ड या आहत सिक्के भी कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआती सिक्कों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए। सिक्कों के प्रचलन से क्या क्या फायदा हो सकता है व्यापार में? पहले वस्तुओं की अदला बदली होती होगी। जैसे आप यहां पढ़ने आते और पैसा नहीं होता तो घर से चावल, घी कुछ लेके आते, गेहूं वगैरह है आश्रम में, नहीं चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है। धोती कुर्ता पहन के मैं भी आता है ना, ठीक है।
बहुत शानदार पोशाक है अपना, ठीक है ना। इच्छा तो रहती है कभी धोती कुर्ता पहन के क्लास लू मैं, है ना, ठीक है ना, बट लूंगा कभी ना कभी, है ना। तो सिक्कों से क्या होता है कि सहजता बहुत आ जाती है, गतिशीलता हो जाती है, खरीद बिक्री में आसान हो जाता है, कीमत लगाने में आसान हो जाता है उसकी, ठीक है ना। ये सब काम काफी सरल हो जाएगा व्यापारियों के लिए, शिल्पियों के लिए, शासक के लिए भी। शासक के लिए टैक्स वसूलना, वेतन देना, ठीक है, इन सब काम में सुविधा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है ये सिक्कों का प्रचलन। प्राचीन काल में सिक्कों से संबंधित और भी जानकारी हर काल वाइज में आपको देता जाऊंगा, सबको हम जमा कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी सिक्कों को लेकर के। वैदिक काल के जो साक्ष्य दक्षिण भारत से नहीं मिलते, ये कह रही हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, जब हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय दक्षिण भारत में नवपाषाण काल और महापाषाण काल, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको अलग से, है ना। समकक्ष दक्षिण भारत में नवपाषाण और महापाषाण काल है। इवन जब हम बुद्ध काल भी पढ़ रहे हैं तब भी दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन एक ग्रामीण संस्कृति की जानकारी मिलती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा समकक्ष इसके, ठीक है। हाँ, नहीं ये सब नहीं लिखा होगा, कुछ वजन वगैरह से डिसाइड होता होगा वो। सिक्कों पे जब लिखा हुआ नहीं है कि ये 500 का नोट है कि 2000 का नोट है, तो कैसे डिसाइड होगा? कुछ वजन से ही डिसाइड होता होगा वो, ठीक है। तुम भी हाथ उठाओ, अब रुक जाओ, मैं बोलूं तब तुम पूछोगे। मैं अभी कहां कह रहा हूं, तुम मतलब पत्रकार की तरह बिहेव करते हो, एनडीटीवी की पत्रकार की तरह। नहीं, सॉरी बोलने वाले ही नहीं पत्रकारिता में, कहां कोई सॉरी बोलता है, जिसको मौका मिला बोलते ही रहता है नॉन स्टॉप। हाँ बोलो। सिक्के कहां? सिक्के, हाँ, चांदी के किसी सोर्स से आयात हुआ होगा। जैसे लोहे के बारे में है कि लोहा जो है झारखंड के खानों से मिलता था, तांबा जो है वो क्लियर कट है कि एक ही जगह वो सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरा वो है ना, ताम्रपट्टी जो है हमारा वो, है ना, खेतरी, ठीक है, वहीं से मतलब वो चलता था, ठीक है। तो कोई ना कोई सोर्स रहा होगा, उसकी जानकारी अलग से दी नहीं गई है यहाँ किताबों में। सोना कर्नाटक से ही माना गया है मतलब, या कभी मध्य एशिया से कुछ आ जाए तो आ जाए, वरना कर्नाटक से ही माना गया है मतलब। तो ताम्रपाषाण महापाषाण कालीन लोगों के समय प्रचलन था उसका, जब हड़प्पा में प्रचलन है तो प्रचलन है, बस वो आयात निर्यात वाली बात है। सिक्कों के बाद लिखो आप शहरों के बारे में, लिखो छठी पांचवी सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में बड़ी संख्या में शहरों की जानकारी मिलती है। शहरों की जानकारी मिलती है। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन। द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन, क्लियर। वैदिक काल में शहर नहीं थे, हमने बताया आपको, सिक्के नहीं है, शहर नहीं है, इस दौर में शहर भी हमें,
जब हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो महाजनपदों की जितनी राजधानियां वो सब शहर ही हैं। शहर का मतलब एक गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, जनसंख्या घनत्व अधिक, आवासीय संरचना उनके बेहतर होंगे, प्रशासन व्यापार शिल्प का केंद्र होगा। हड़प्पा में भी ये कॉन्सेप्ट दिया था हमने आपको, दोबारा वही कॉन्सेप्ट है। इस समय के शहर के बारे में पता है कि भाई शहरीकरण क्यों हुआ। हड़प्पाई शहरीकरण के बारे में हमने कहा था भाई कृषक अधिशेष, शिल्प अधिशेष के कारण, बट हम दावे से कह नहीं सकते हम, बट यहां प्रक्रिया हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही है आर्थिक परिवर्तनों के साथ। जैसे जैसे चीजें बदली, सत्ता का केंद्र हुआ, फिर व्यापार का केंद्र, फिर शिल्प का केंद्र, फिर शिक्षा का केंद्र, फिर धर्म का केंद्र, ठीक है। तो शहरीकरण यानी शहरों का कैसे उदय और विकास हुआ, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहां पे। इस वाले शहरीकरण में लोहे की बड़ी भूमिका है, पहले वाले में लोहा था ही नहीं। हड़प्पाई शहरीकरण को प्रथम शहरीकरण भी कहते हैं, इसको द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। क्लियर सभी को? तो अब जैसे हमने कहा बुद्ध युगीन इकोनॉमी, तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या बदलाव दिखाई पड़ रहा है? आ रही बात समझ में? हमने बस परिवर्तनों को यहां हाईलाइट किया, जब उससे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो टॉपिक वाइज भी पढ़ना है और इकोनॉमी वाइज भी पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल से एक अलग फ्लो होगा आपका पढ़ने का, ऐसे ही चलेगा। उसके पहले थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे थे हम भौतिक साक्ष्यों के आधार पर, अब साहित्य है तो एक निरंतरता और परिवर्तन आपको दिखेंगे, ठीक है। देखो बुद्धयुगीन समाज, बुद्धयुगीन समाज पहला पॉइंट लिखो, सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कौमा, इस काल में वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होने के साक्ष्य, जन्म आधारित होने के साक्ष्य ठीक है, जन्म आधारित होने के साक्ष्य अर्थात जाति प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य, साक्ष्य मिलने लगते हैं, ठीक है। तो वही वर्ण व्यवस्था जैसे कहा गया था कर्म आधारित है, इस काल तक आते आते वो जन्म आधारित उसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख लो आप, जाति प्रथा में विभिन्न जातियों के बीच खान पान, तथा विवाह वर्जित, एवं जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण, एवं जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था का सैद्धांतिक पहलू था और जाति प्रथा में अंतर क्या है, वो ये अंतर है, ठीक है। आगे लिखें आप, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है। आप समकालीन साहित्य में संकट के दौरान विभिन्न वर्णों के द्वारा
अलग अलग व्यवसायों विभिन्न वर्णों के द्वारा अलग अलग व्यवसायों के व्यवसाय को अपनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अलग अलग व्यवसायों को अपनाए जाने का भी। अब जैसे देखो ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है बताया गया, ठीक है ना। बट कोई आपदा आ जाए तो अपने कर्म को बदल भी सकते हैं, उसमें जाना नहीं कौन सा व्यवसाय अपना सकते हैं, बट जो बात है बस चेंज कर सकते हैं अपने व्यवसाय संकट के दौरान। आगे लिखें आप, विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव अधिक प्रखर होता गया। जैसे एक ही अपराध में निचले वर्ण को अधिक सजा, ठीक है, एक ही अपराध में निचले वर्ण को अधिक सजा, उपनयन संस्कार से तो पहले ही रोक दिया गया है, वो तुमने बता ही दिया आपको, वो है ही। एक अपराध है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के अनुसार सजा के प्रावधान, तो ये बता रहा है कि भाई भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है। आगे लिखें आप, छुआछूत एवं दास प्रथा के प्रचलन के भी साक्ष्य। ठीक, छुआछूत एवं दास प्रथा के प्रचलन के भी साक्ष्य। उत्तर वैदिक काल में छुआछूत की बात नहीं आ रही है खुल करके, भेदभाव है, बट इस समय छुआछूत के प्रमाण मिलने लगते हैं कि कुछ जातियां हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी है ना, तो ऐसे करके सामाजिक विकृतियां आपको, कुरूतियां आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे। याद है मॉडर्न इंडिया में जब हम पढ़ते थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जाति प्रथा, छुआछूत, हमने कहा यह हजारों वर्षों से भारतीय समाज में प्रचलित था, अंग्रेजों की देन नहीं है, और सुधारकों ने आवाज उठाई, तो अब वहां आ गए हैं कि कहां से प्रचलन के बारे में हम इसके प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक ये भी है। अच्छा, ऊपर के जो वर्ण थे उनको विशेष अधिकार था साफ साफ, जैसे वो कर नहीं देते थे, ठीक है, उनको न के बराबर दंड सजा मिलती थी, मतलब किसी अपराध के मामले में कर नहीं देते थे, उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी, है ना, तो एक विशेषाधिकार सा भी है, हायरकी सी भी बन गई है। नेक्स्ट लिखें आप, परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह, परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह ठीक है, पूर्ववर्ती काल की तरह। नेक्स्ट लिखें आप, महिलाओं की दशा में और गिरावट, जैसे महिलाओं को भी उपनयन संस्कार से वंचित किए जाने के प्रमाण, वंचित यानी महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं, समकालीन साहित्य में इसके साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं, कौमा बाल विवाह के साक्ष्य, बाल विवाह के साक्ष्य, ठीक है, महिलाओं की दशा भी यहां पे मतलब परिवर्तित हो रही है ना, यहां नोट करके लिख लें आप,
नोट करके। हालांकि बौद्ध धर्म में शिक्षित भिक्षुणियों की जानकारी मिलती है, शिक्षित भिक्षुणियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, खान पान मनोरंजन इत्यादि के साधन पूर्ववर्ती काल की तरह पूर्ववर्ती काल की तरह सब पहले जैसा ही है। एक और लिख लें आप, आवासीय संरचना अपेक्षाकृत उन्नत, अपेक्षाकृत उन्नत, हालांकि कच्ची ईंटों के प्रयोग के ही अधिक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के ही प्रयोग के साथ ज्यादातर 3rd century BC या 4th century BC से पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू होगा, तो फिर बड़े पैमाने पर उसका यूज होगा। एक और लिखें इसमें आप, शिक्षा व्यवस्था भी पूर्ववर्ती काल की तरह हालांकि बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव भी शैक्षणिक गतिविधियों पर बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव भी शैक्षणिक गतिविधियों पर यह अलग से बताऊंगा मैं आपको, अभी केवल लिखे रहने दीजिए आप यहां पे, ठीक है। एक और लिखें आप, इस काल में आश्रम व्यवस्था कौमा संस्कार इत्यादि पूरी तरह स्थापित ये सब पूरी तरह से स्थापित, जैसे उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे, यहां 4 आश्रम है, अधिक से अधिक संस्कारों का प्रचलन मिलेगा आपको, क्योंकि सूत्र साहित्य है ही इसी पे सब कुछ। अब जो सोसाइटी है, अब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब अगले काल में हमें अलग से बहुत ज्यादा समाज की बात नहीं करनी है, मौर्य काल में कुछ जो नई बातें होंगी वही बात करेंगे। मोटे तौर पर जो एक हिंदू समाज की व्यवस्था है, ढांचा, वो यहां पर बदले हुए रूप में आज भी उसी तरह के संस्कार आप देखेंगे, वैसे ही संस्कार आज आपको दिखेगा समाज में। बच्चे के जन्म को उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं, बहुत जगह देखोगे आप गर्भधारण में भी बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह किए जाते हैं, बुरी नजर ना लगे, ठीक है। और एक समाज ऐसा रहा है जहां पुत्र प्राप्ति को ही बड़ा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में माना गया है, शादी को, मतलब शादी के एक मकसद माना गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें ध्यान देने वाली बात, कि ऋग्वेद में भी पुत्रों के जन्म के लिए मंत्र तो बहुत है कि कौन कौन सा मंत्र उच्चारण करेंगे आप, बट पुत्रियों के लिए कोई मंत्र, तो हम कहते ना कि मतलब एक समाज में आपको एक अंतर दिखेगा, मतलब ठीक है। तो चेंजेस जो सिस्टम बनेगा आपका यहां पे, वो सिस्टम किसी न किसी रूप में परवर्ती कालों में आज तक भी थोड़ी बहुत चीजें,
अब चूंकि अधीनस्थ सिस्टम है तो थोड़ा उसी में और विधवाओं की दयनीय दशा है, होनी है। पर्दा प्रथा, चूंकि अब बाल विवाह है तो पर्दा प्रथा है, मतलब दहेज प्रथा एक समय के बाद साथ साथ, ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलता कि कब कब, बट ये सब चीजें प्रचलन में, चूंकि दक्षिणा वगैरह की तो परंपरा रही ही है, मतलब तो यही सोसाइटी मोटे तौर पे बन जाती है। इसलिए आगे हम बहुत ज्यादा हम ठीक है ना, ठीक है। एक अपनी स्टूडेंट है रानी, उन्होंने सवाल पूछा कि सर आपने वैदिक काल में कला शिक्षा विज्ञान सहायक नहीं करवाया है, कला के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए नहीं करवाया है। शिक्षा के बारे में, सोसाइटी के बारे में एक दो बातें बताई हैं आपको। जब आखिरी क्लास होगी 13वीं या 14वीं क्लास, तो पूरे प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति मैं बताऊंगा आपको। इसलिए हमने कहा बौद्ध जैन शिक्षा पद्धति भी थोड़ी बहुत तभी बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन थोड़ा मेंस में वैसे आ सकता है। विज्ञान भी उसी साथ, थोड़ा गणित का जो ज्ञान है इन्हें, मतलब और खगोल विज्ञान का, एक ही साथ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लिख लिया आपने सोसाइटी के बारे में, तो ये बुद्धयोगिन अर्थव्यवस्था और बुद्धयोगिन समाज। अब राजनीति में थोड़ा मसाला अधिक है तो ब्रेक के बाद बात करेंगे हम लोग, मसाला अधिक है ना। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति में जरा पीछे की तरफ चलते हैं हम, और उत्तर वैदिक कालीन राजनीति आपको याद हो तो हम लोगों ने जनपद की बात की थी, पहले जन फिर जनपद। अब इस दौर के साहित्य में महाजनपद यानी बड़े बड़े जनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद की विशेष रूप से चर्चा होती है, ठीक है। और ये 16 के 16 जो महाजनपद है तो वैसे एक दक्षिण भारत में भी हैं, बाकी 15 के 15 उत्तर भारत में ही है, ठीक है। जो राज्यों की जानकारी मिल रही है हमें, उत्तर भारत में ही 15 महाजनपदों की जानकारी मिल रही है, एक दक्षिण भारत में भी है अस्मक नामक महाजनपद। इसके अलावा इसी दौर में, इसी काल में दो बातें और ध्यान रखने वाली है, एक ईरानी आक्रमण भी हुआ भारतीय भूभाग पे, उत्तर पश्चिम भारत पे, और दूसरा इसी दौर में सिकंदर का आक्रमण भी, उनके बारे में भी कुछ जानकारी हम लेंगे। राजनीति में चेंजेस क्या दिखेगा आपको, इस समय वेतनभोगी सेना, वेतनभोगी कर्मचारी, वेतनभोगी अधिकारी, इस तरह की चीजें आपको मिलनी शुरू होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे कि कैसे चेंजेस आए उसको देख लेते हैं हम, उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखो आप जरा बुद्धयोगिन राजनीति, ठीक है। बुद्धयोगिन राजनीति में पहला पॉइंट लिखे आप कि समकालीन साहित्य में, समकालीन साहित्य में महाजनपदों का उल्लेख ठीक है, कॉमा देकर के लिखें आप, जैन ग्रंथ भगवती सुत एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये लिख दे रहा हूं यहां पे, और एक हमने नाम लिया भगवती, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है,
ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, है ना। 16 का नाम अभी हम देखेंगे हम अलग से। हम अगला पॉइंट लिखें आप कि इन महाजनपदों में अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक भी। कुछ गणतंत्रात्मक भी जैसे वज्जी, ठीक है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं, बट 16 में ये गणतंत्रात्मक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। तो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के हमें एग्जाम्पल मिलेंगे हमें यहां। आगे लिखें आप, साक्ष्यों से श्रेणीबद्ध अधिकारियों की जानकारी जैसे उच्च अधिकारी को या सर्वोच्च अधिकारी को महामात्र कहते थे, महामात्र, महामात्र कहते थे। सर्वोच्च अधिकारी जो होते थे ना उसको महामात्र कहा जाता था। महामात्र जैसे आईएएस है वैसे महामात्र हो गया। आईएएस अलग अलग भूमिका में होते हैं, वैसे महामात्र अलग अलग भूमिका में थे। लिखें, अधिकारियों की एक अन्य श्रेणी आयुक्त का भी उल्लेख मिलता है। एक अन्य श्रेणी आयुक्त का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट लिखें आप, राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में बलि साधक भू राजस्व वसूलने वाला वन सिक्स्थ के बारे में अनुमान है कि उपज का 1/6 हिस्सा भू राजस्व लेता था। साक्ष्य से बलि साधक, शुल्काध्यक्ष, चुंगी कर वसूलने वाला, ठीक है, लिख लिया आपने। राजस्व प्रशासन की भी जानकारी हमें मिल रही है। बलि साधक, लैंड रेवेन्यू शुल्क अध्यक्ष, जो सीमा शुल्क या बिक्री शुल्क दोनों वसूलता था उस समय, सॉल्किक या शुल्क अध्यक्ष कहा गया इसे, है ना, टोल टैक्स वगैरह को भी वसूलता था ये। नेक्स्ट लिखें आप कि वेतन भोगी एवं विशाल सेना की जानकारी जैसे कहा जाता है, नंदों की सेना से सिकंदर की सेना डर गया था। 2 लाख के आसपास पैदल सेना थी, हाथियों की सेना, घुड़सवार, रथ।
ठीक है, तो साक्ष्यों से विशाल संख्या में हमें जाना ही नहीं है, है ना। सेना नॉर्मली क्या होगा उस समय, पारंपरिक तौर पे नौसेना वायुसेना जैसी चीज तो आपको बहुत दिखेगी नहीं, ठीक है ना। वायुसेना तो मत मानिएगा क्या। पैदल सेना का एक रोल होता था, अश्वारोही का एक रोल होता था, हाथियों की भूमिका होती थी, रथ अक्सर राजा जो है रथ पे, मतलब ठीक है घुड़सवारी रथ ये सब भी, हाथी का भी एक रोल था, बट हाथी का रोल पूर्वी भारत में ज्यादा था, जैसे मगध जैसे महाजनपद में, उसका जिक्र करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट ये कि उत्तर वैदिक काल में वेतनभोगी सेना के बारे में हम कह नहीं सकते, सेना तो है बट यहां क्लियर है कि वेतनभोगी सेना है, यहां क्लियर है कि एक राजस्व प्रशासन है, अधिकारियों के वेतनभोगी अधिकारियों की श्रेणी, वहां सब रक्त संबंधों पर आधारित था। तो इसको भी देखोगे तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में इन महाजनपदों में जो चेंज है वो दिखा बता रहे हैं हम, समझ में आ रही बात। जिसको जिसको उत्तर वैदिकालीन राजनीति ध्यान है वो कनेक्ट कर सकता, अच्छा अब ये चेंज आ गया उसकी तुलना में। आगे लिखो आप, दीवानी एवं फौजदारी मामलों को पृथक किए जाने की शुरुआत, को पृथक किए जाने की शुरुआत, ठीक है शुरुआत मतलब दीवानी और फौजदारी मामले, एक न्यायिक ढांचे के बारे में भी, ये क्रिमिनल मैटर है ये सिविल मैटर है, इसे जानकारी मिल रही है। हमने बताई दी आपको जो न्यायिक ढांचा है वो वर्ण के हिसाब से चल रहा है, उच्च वर्ण के लोगों को या तो अपराध नहीं या मतलब सजा नहीं या फिर न्यूनतम सजा, निम्न वर्ण के लोगों को ही अधिक सजा, ठीक है तो ऐसा चल रहा है, उसमें भी भेदभाव में दिखाई पड़ रहा है सोसाइटी वाले खंड में, बताया मैंने आपको। जो चीज उत्तर वैदिक काल में डेवलप नहीं हुआ वो सारी चीजें हमें यहां दिखाई पड़ रही हैं। एक और लिखो आप, हालांकि व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है, व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है, जैसे केंद्रीय शासन हो गया, प्रांतीय शासन हो गया, जिला, ऐसा कोई सिस्टम पता नहीं चल पा रहा है। राज्य है जरूर सिस्टम होगा, गांवों के स्तर पे उल्लेख मिलता है ग्रामिक का, ग्रामणी का, टैक्स को इम्पोज करने में भी और कलेक्शन में भी राज्य को हेल्प करते थे। एक जगह उल्लेख मिलता है कि 86,000 ग्राम प्रमुखों की सभा बुलाई थी, मतलब बिंबिसार ने, मगध का एक शासक था उस समय, और अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने 1,25,000 पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित गुजरात में, ठीक है तो 86,000 ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ऐसा माना कि कितनी संख्या नहीं रही होगी या कैसे बैठक होती होगी, है ना, ठीक है इससे चर्चा मिलती है कि मुश्किल है ऐसा, बट स्टिल तो ग्राम प्रमुख की भूमिका थी वो उल्लेख मिल रहा है। जब किताब पढ़ोगे तब देखोगे ग्राम प्रमुख को ग्रामिणी या ग्रामिक, लिख लीजिए आप नोट करके, ग्राम प्रमुख को ग्रामिणी ग्रामिणी या ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखें एक और नोट में ही कि सभा समिति जैसे संस्थाओं के स्थान पर सभा समिति जैसे संस्थाओं के स्थान पर परिषद नामक सलाहकारी संस्था की जानकारी
परिषद नामक सलाहकारी संस्था की जानकारी। ठीक, तो सभा समिति जैसी संस्था चूंकि बड़े बड़े राज्य हैं, तो कहां आप उसको बुला पाएंगे, आप वृद्धों की सभा और वयस्कों की, है ना। अब राजा के पास वेतनभोगी सेना है, सभा समिति की उसे जरूरत नहीं है। खास खास लोगों की एडवाइजरी टीम उसने, कैसे जैसे कैबिनेट होता है, फिर एक किचन कैबिनेट होता है, सुना होगा ना मैं किचन कैबिनेट के बारे में। किचन कैबिनेट का मतलब रसोई घर में कैबिनेट की बैठक नहीं, कहने का मतलब है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक, या जो उनके बहुत खास लोग होते हैं किसी भी मुद्दे पे विचार विमर्श, एक तरह का इनफॉर्मल होता है वो। तो वैसे ही टीम बना ली गई जिसमें ज्यादातर पुरोहित ब्राह्मण वगैरह होते थे जो एडवाइजरी का काम करते थे राजा को। ठीक है, राजपुरोहित हुआ करते थे ना, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उस समय की व्यवस्था में। ठीक है, तो ये राजनीति में कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं हमें इन जनरल। अब हम लोग एक 16 महाजनपदों का संक्षेप में परिचय लिखें, आप 16 महाजनपद। इसको नाम और साथ में कैपिटल लिखते चलेंगे हम। ठीक है, 16 का 16 नाम लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। आर एस शर्मा वाली किताब में मैप में भी दिया हुआ, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग उत्तर पश्चिम से शुरू करते हैं, नॉर्थ वेस्ट से, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे जो था वहां से शुरू करते हम लोग, है ना। कंबोज, इसका कैपिटल माना गया है राजपुर या हाटक। कंबोज कैपिटल है राजपुर या हाटक। ठीक है, गंधार, मामा सकुनी है ना, भांजे, उसके बाद चाल। ठीक है ना, मामा एक अलग सा म्यूजिक था महाभारत में, सकुनी जब चलते थे, है ना, और उसके बाद। ठीक है ना, अन्याय हुआ है हमारी बहन के साथ, भांजे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, और गांधारी जो है मतलब पट्टी बांध करके, ठीक है ना, पूरा जीवन उन्होंने। तो गंधार का लिख लिया कैपिटल तक्षशिला, तक्षशिला। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, पंचाल, पंचाल। इसके दो कैपिटल का उल्लेख मिलता है, एक है अहिक्षेत्र और एक है कांपिल्या। अहिक्षेत्र और कांपिल्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका हो गया आपका, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो उपनिषद की रचना हुई है वो पंचाल जनपद में हुई है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण है, या हमने बताया भी था पहले भी आपको। ठीक है, पंचाल हो गया आपका महाजनपद के रूप में, है ना। लिखे आप सूरसेन, मथुरा, सूरसेन, मथुरा। ठीक है, मत्स्य, विराटनगर, किसी को याद तो है, कोई लगातार बोल रहा है, है ना। मत्स्य, विराटनगर, ठीक है, इन सब शहरों को देख लेंगे, शहरीकरण में सारे शहर आ जाएंगे, इन सब के शहरों के रूप में गिनती होती है, इसलिए हमने कहा शहरीकरण से भी आपका सारा पॉइंट जुड़ जाएगा, आपको ध्यान भी रहेगा। लिखिए अवंती, उज्जैन और महिष्मती। बाहुबली है ना, उज्जैन और
ये काफी शक्तिशाली राजा रहा हुआ है ना। ऐसे ही आप लिखें चेद्दी, बुंदेलखंड में था ये, सोथीवती, चेद्दी सोथीवती ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, सोथीवती, ठीक है। लिखो आप अस्मक गोदावरी के तट पे था, अस्मक दक्षिण भारत जो हमने बोला आपको, इसलिए हमने कहा एक बार मैप देख लीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हेल्प करेगा आपको। यहां लिख लिया पोटिल, ठीक है, लिख लिया आपने पोटिल अस्मक के में। नेक्स्ट लिखें आप, इसको जरा साइड कर दिया जाए, ना वत्स कौसाम्बी ठीक है, कोसल श्रावस्ती और साकेत, साकेत यानी अयोध्या, ठीक है, कोसल श्रावस्ती या साकेत लिखे आप यहां पे, मल कुशीनारा और पावा, कुशीनारा और पावा, ठीक है, ये यूपी में पड़ेगा आपका सब, कुशीनगर जो है भी आपका है ना। यहां पे लिखे वज्जी, आठ गणों का संग, वज्जी लिख लें आप, आठ गणों का संग इसी में एक प्रमुख है वैशाली के लक्ष्मी, ठीक है, और भी थे विदेह ज्ञात्रिक, बट एक नाम रखिएगा वैशाली के लक्ष्मी, आठ में एक नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। मगध, काशी पहले लिख लीजिए आप, है ना, काशी वाराणसी, ठीक है, मगध की अलग अलग राजधानियां रही हैं। मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, और फिर पाटलिपुत्र जिसे हम पटना भी कहते हैं, है ना, पाटलिपुत्र, ठीक है, भगत हो गया, वैशाली भी थोड़े समय के लिए रही है। मगध के बाद लिख लें आप अंग, ये बिहार में भागलपुर का इलाका हो गया, ये हो गया आपकी राजधानी चंपा, अंग की राजधानी हो गई चंपा, है ना, 16 हो गए क्या पूरे, ठीक है। तो इसमें से कई जगहों का संबंध बुद्ध से भी है, कुछ महावीर स्वामी से भी है, तो जगहों का उल्लेख ना कल्चरल सेंस में भी आएगा थोड़ा। तो हमने कहा 16 महाजनपद को एक बार हम लोग पॉइंट आउट हमने कर लिया है ना, 16 महाजनपद में ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक अवंती, ठीक है, कोसल, वत्स और मगध, अवंती कोसल वत्स और मगध घेरा लगा लीजिएगा, मतलब मेरे पास तो ऑप्शन है बहुत सारे कलर के, पेन देख के तो लग रहा है आपके पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, पूरा कलरफुल ही तुम है, होली लेके चलते हो अपने हाथ में, नोट करके लिखे आप जरा।
देखिए, इन 16 महाजनपदों में चार सर्वाधिक शक्तिशाली ये चारों का नाम लिख लो आप, अवंती, कोसल, वत्स और मगध। ठीक है, और अंततः मगध ने लगभग 3 सदियों में सभी महाजन पदों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, मगध ने सभी महाजन पदों पर नियंत्रण लगभग 300-250 वर्ष में। ठीक है, ये एक जानकारी वाली बात होती है थोड़ा सा इसमें, है ना। मगध के कुछ शासक ऐसे हैं जो थोड़े पॉपुलर हुए हैं, जिनका धर्म के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। तो मगध पे शासन करने वाले वंश, एक शीर्षक दीजिए आप, लिखे आप, मगध पर शासन करने वाले वंश एवं कुछ प्रमुख शासक। इसमें हम लोग डेट पे नहीं जाएंगे, एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या रहा है। ठीक है, बट एक क्रम थोड़ा सा इसलिए बता देता हूं कि चूंकि मगध ही सबको पराजित कर रहा है, और ये भी थोड़ा जान लेंगे 2-4-5 पॉइंट में, मगध ने ऐसा क्यों किया या मगध को सफलता कैसे मिली, क्यों मिली। ठीक है, मगध पे शासन करने वाला जो पहला वंश है इस समय, वो है हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश, डेट वगैरह आर्य शर्मा वाली किताब में है, कहीं कहीं शासकों के बारे में आप कुछ देखने का मन करे तो वहां पढ़ने के दौरान देख सकते हैं आप। हर्यंक वंश के 3 शासकों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इत्यादि। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इत्यादि। ठीक है, इनका नाम आता रहेगा। इन जैसे मान लो 544 से 492 बीसी तक इसका शासन था, 492 से कुछ अगला अजातशत्रु का शासन था। नाम इनका कहीं ना कहीं मिलता रहता है, तो थोड़ा ये नाम अवेयर रहे हैं हम कि मगध महाजनपद के हर्यंक वंश से संबंधित ये शासक थे। ठीक है, और डिटेल में थोड़ा बहुत कुछ कुछ जानकारी पढ़ने के दौरान मिलेगी आपको। दूसरा लिखे आप, शिशुनाग वंश। इसमें है शिशुनाग, कालाशोक, ठीक है। तीसरा लिखे आप, नंदवंश। महापद्मनंद, धनानंद, धनानंद जो था ना, वो सिकंदर के समकालीन था, है ना। धनानंद हो गया सिकंदर के समकालीन। ठीक है,
सबसे तो ये तीनों का हम अभी पढ़ रहे हैं इस वाले काल में, महाजनपद काल में, कब से कब शासन रहा और इन सब में नहीं जाना है आपको, ठीक है, एक आइडिया रखना है। इसी में जो अगला वंश आएगा मौर्य वंश, तो उसे हम मौर्य काल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य काल। मगध पे ही शासन करने वाला था वो, पटना को ही केंद्र बना के मौर्य वंश। हमें यह देखना है इसमें कि जैसे हमने बताया कि मगध सफल रहा तो क्यों, देखिए आप, मगध महाजनपद के राजनीतिक सफलता के कारण या सफलता के कारण ठीक है, महाजनपद के सफलता के कारण पॉइंट्स लिखे आप जरा, सफलता के कारण में पहला पॉइंट लिखे आप कि विभिन्न शासकों की योग्यताएं जैसे बिंबसार ने अंग को जीता, अंग को जीता, जैसे आप ऐसे देखेंगे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये आप लगा लीजिए पूर्वी भारत का इलाका है, ये बंगाल का तट हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये आपका अंग है और ये आपका मगध महाजनपद है। तो बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता, तो समुद्र तट तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो गई, कोई समस्या नहीं रही उसको, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहां काशी है, यहां लक्ष्मी है, अजातशत्रु इन दोनों को निपटा देगा, लक्ष्मी उसका अपना ननिहाल या मामा का घर हो गया फिर भी नहीं छोड़ा वो, ठीक है। लोग मामा के बारे में कहते हैं कभी कभी भांजा भी जो है, ठीक है ना, तो अजातशत्रु थोड़ा कुछ वैसा था, है ना। विभिन्न शासकों की योग्यता, जैसे अलग अलग शासकों ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, बिंबिसार ने न केवल अंग को जीता बल्कि कुशल से वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध स्थापित होने से क्या होता है कि आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, सामाजिक वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके बिंबिसार के समय से ही थोड़ा प्रभाव बढ़ने लगा था वैवाहिक संबंधों के कारण, आक्रामक नीतियों के कारण, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं बट हमें लेना नहीं है, एक आइडिया रखना है। दूसरा पॉइंट लिखे आप, आर्य शर्मा में एक चैप्टर ही है जनपदों का परिचय और मगध के सफलता के कारण, वहां ये सारी बातें मिलेंगी आपको, ठीक है। दूसरा लिखे पॉइंट इसमें आप कि मगध के मगध की राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थीं, मगध की राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थीं, ठीक है। जैसे राजगिरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, पटना नदियों से घिरा हुआ था, तो इतना आसान नहीं था किसी दुश्मन के लिए उसको भेद पाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मगध का आर्थिक आधार सशक्त मजबूत, ठीक है। जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, जो गंगा का मैदान है बिहार वाला इलाका, वो सब इसके पास था, है ना, बंगाल का इलाका इसके पास आ गया था, मतलब उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, कौमा
आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जैसे विदेश व्यापार वगैरह भी हो रहे हैं इसके, है ना, कॉमा देके लिखें आप, सिक्कों का प्रचलन ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बताया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध वाले क्षेत्र में। अब काशी पे तो अजातशत्रु ने कब्जा कर लिया, जब राइज हो रहा है इनका, तो सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन भी यही हुआ है इसी क्षेत्र में ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करने में से सुविधा, तो कर्मचारी सेना वगैरह की संख्या, उसे आप वेतन दे सकते हैं आप, तो ये तुलनात्मक बढ़त है ना। एक सवाल पूछा है अभिषेक ने कि सिल्वर ही है और इसका क्वाइंस बनाया जा सकता है। बहुत टफ सवाल पूछा है अभिषेक ने कि कैसे पहचानूंगा कि चांदी ही और इसके क्वाइंस बनाए जा सकते हैं। हमने इंडस्ट्री में आपको कहा है कि ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे विकास यात्रा में कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है ठीक है, तो जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, उसकी चमक या अन्य गुणों के कारण उसका महत्व, इंसान ने महत्व देना शुरू किया ठीक है, तो फिर उसकी एक वैल्यू कभी कभी ठीक है लेन देन में, जैसे किसी के पास चांदी आ गया हो ठीक है, तो भाई तुम ये रख लो, बदले में मैं ये सामान लेके जा रहा हूं, तो ये ऐसे स्वतः विकास हुआ होगा, कोई मतलब इसका कोई सोर्स नहीं मिलेगा आपको कि कैसे शुरू हुआ होगा, है ना अभिषेक। तो सिक्कों से जरूर फायदा मिला मगध को, खेती भी इसके पास है, व्यापार भी है सब, है ना, तो इकोनॉमी, जैसे विदेश व्यापार बाकी महाजनपदों के पास उतनी सुविधा नहीं जितनी इसके पास थी, चूंकि बंगाल के करीब था, गंगा के उपजाऊ इलाकों पे इसका भी कब्जा है, काशी को तो इसने जीत ही लिया था, एक कोसल का कब्जा है, सॉरी वत्स कौसाम्बी का कब्जा है। आगे लिखे आप, एक मजबूत सैन्य आधार, जैसे सेना में संभवतः पहली बार मगध के शासकों ने ही हाथी का उपयोग किया, ठीक है। ऐसे में लिखिए एक और एग्जांपल, लौह के खानों के नजदीक, लौह खान आयरन माइंस, लोहे के खानों के नजदीक स्थित होना, ठीक है, जिसके पास लोहा का सोर्स है ना, जैसे दो के पास ही लोहा का सोर्स था, या तो मगध के पास या अवंती के पास, तो लोहा के मजबूत हथियार होंगे, उसके खेती के उपकरण भी आसानी से आपके पास होंगे, तो वो क्षेत्र तुलनात्मक रूप से तो मजबूत रहेगा ठीक है, वो तुलनात्मक रूप से मजबूत होने जा रहा है। तो इसके पास दो बड़ी सुविधाएं थी, झारखंड और उड़ीसा के जो आयरन माइंस थे उसके नजदीक था ठीक है, तो वहां से लोहे आसानी से मिल जाते हैं, जो स्थानीय समाज के लोग रहेंगे उससे, और उससे मतलब कृषि के उपकरण और हथियारों का निर्माण। लोहा आज भी इतना मजबूत होता है, कहने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो सोचिए अब युद्ध में, उस समय सबसे उन्नत था वो, मजबूत चीज हो गई वो, कुछ भी कह लीजिए। अब हाथी को देख करके, क्योंकि बहुत आक्रामक नहीं होता है हाथी जैसे और जंगली जानवर होते हैं, बट एक है ना विशालकाय जानवर है वो, मतलब ठीक है। तो आप हाथी को लेकर चले गए युद्ध में, आप 50 हाथी को लेकर के आप, तो शत्रु पे वैसे ही भारी पड़ जाएंगे आप, यदि हाथी को आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो। हाथी से बाद में हारना ज्यादा होता था उस समय, नहीं ठीक है, वो बहुत बाद वाली घटना है वो, है ना।
ये कि हाथी यदि विदग गया तो अपनी सेना को भी नुकसान पहुंचाता है, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, दोनों पक्ष हैं, ठीक है। यदि बढ़िया से कंट्रोल करने वाला कोई हो तो कंट्रोल कर सकता है उसे, ठीक है। तो इन सब का एडवांटेज मिला मगध को कि मगध क्यों सफल रहा। क्लियर सभी को ना? तो नोट में हमने क्या लिख लिया, एक 16 महाजन पद का छोटा सा परिचय ले लिया, मगध क्यों उसकी बात हमने कर ली, एक पॉलिटिकल परिचय है। नोट में विदेशी आक्रमण भी लिख लीजिए, थोड़ा सा दो चार जानकारी है, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में पहला लिख लें आप ईरानी आक्रमण, डेरियस नामक शासक ने किया था। ठीक है, डेरियस नामक शासक है ना, सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। इसने किया था पाकिस्तान वाले इलाकों पे, बहुत लंबे समय तक कब्जा किए रखा इसके उत्तराधिकारियों ने भी, ईरान का शासक था ये, है ना। इसका इंपैक्ट क्या रहा, जैसे आर्यों के आक्रमण के बाद हमें ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रमण जब जब हुए उसके बारे में कुछ जानकारी हमें रखनी होती है ऑब्जेक्टिव के मकसद से। इसके प्रभाव में लिख लें आप यहां पे, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन, ठीक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अशोक के अभिलेख भी मिलेंगे आपको इसमें, है ना। और लिख लें आप मौर्य कला पर कुछ प्रभाव, ये जब हम पढ़ेंगे मौर्य तब देखेंगे इसको। बाकी पंजाब वाले इलाके पे, सिंध वाले इलाके पे इसका कब्जा था, लंबे समय तक कब्जा रहा ईरानियों का, अच्छा खासा इनकम होता था उससे, उस पर वो ज्यादा हमारे महत्व का अब नहीं है। यदि कोई सांस्कृतिक इंपैक्ट वगैरह होता तो थोड़ा उसे हम निकाल लेते हैं पॉइंट्स को हम, ठीक है। ऐसे ही हुआ सिकंदर का आक्रमण, ईसा पूर्व लगभग 19 महीने तक था, 326 से 325 ईसा पूर्व, ठीक है। सिकंदर था मकदूनिया मैसिडोनिया, ठीक है। सिकंदर था मकदूनिया या यूनान का शासक, मकदूनिया या यूनान का शासक, ठीक है। हाँ, ईरान तो अपना पड़ोसी है, अब अलग अलग है, उस समय तो सब सिकंदर का था, ठीक है। कहीं यूनान मिलेगा, कहीं मैसिडोनिया मिलेगा आपको। इसी में लिखे, जैसे मतलब ये विश्व विजय की यात्रा पर निकला था, इसने तुर्की को जीता और एशिया के सब तमाम ईरान इराक सबको जीतते हुए ये मतलब भारत की सीमा में प्रवेश किया, ये भी खैबर दर्रा पार करते हुए। भारत की सीमा में इसको दो शक्तिशाली राज्य से सामना करना पड़ा, एक तक्षशिला का शासक था आम्भी, आम्भी ने अधीनता जल्दी मान ली इसकी, फिर पोरस से इसकी एक जबरदस्त लड़ाई हुई और फिर पोरस को भी इसने मतलब उसके पोरस को भी इसने गिरफ्तार कर लिया, उसके राज्य पे भी कब्जा कर लिया। सिकंदर ने पोरस से पूछा भी था कि भाई बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस बहुत साहसी था कहा जाता है, उसने कहा था कि भाई जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार, तो
उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके राज्य लौट आ रहे थे। यूनानी स्रोतों में इसका उल्लेख मिलता है। करीब 10 साल से लगातार उसकी सेना अभियान पर थी, बट पोरस के साथ लड़ाई में सेना उसकी इतनी थक गई, और तब तक सेना को खबर मिली ये कुछ भी नहीं, ट्रेलर है अभी, ये पिक्चर अभी बाकी है। धनानंद के पास एक विशाल सेना है, मतलब ठीक है हाथी है, तो उसकी सेना में घबराहट था। सिकंदर के बारे में कहा जाता उसने बड़ी कोशिश करी अपने सेना में ऊर्जा जान डालने की, बट सेना तैयार नहीं हुआ, बहुत दुखी मन से वापस हो गया। ठीक है, तो लड़ाई हुआ नहीं धनानंद से, है ना। तो 19 महीने तक रहा, छोटे मोटे राज्यों को उसने निपटा दिया उत्तर पश्चिम भारत में। और उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। एक यूनान में सिडोनिया का राज्य हो गया, एक मध्य एशिया में एक राज्य हो गया, और एक बैक्ट्रिया करके अफगानिस्तान का एक बड़ा भूभाग मध्य एशिया, है ना। तो यूनानियों का यहां तक शासन था हमारे। तो मौर्यों के समय यूनानी हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, चूंकि कब्जा यहां तक था तो लिखे पड़ोसी राज्यों के रूप में उल्लेख मिलेगा। पॉलिटिकल घटनाक्रम को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं सिवाय क्रम के, लेकिन जैसे पोरस आम भी, पोरस कम से कम सामान्यता जो थोड़ा बहुत इसको सिकंदर का आइडिया रहता है बता देगा, पोरस ने सिकंदर को बहुत जबरदस्त प्रतिरोध किया था, तो वो जानना चाहिए हमें, क्लियर ना। तो पोरस का नाम थोड़ा ध्यान हमें ऐसे रखना कि हाँ पोरस ने प्रतिरोध किया था सिकंदर का। सिकंदर का अभियान महत्व क्यों रखता है? चलो ये लौट तो गया यहां से, बट क्यों महत्व रखता है ना, लिख लें आप। भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के निर्धारण में भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के निर्धारण में ठीक है, जैसे सिकंदर यूरोप यूनानी यात्री रिकॉर्ड रखते थे, तो ये क्लियर है कि इसी समय आक्रमण हुआ, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या था कि घटनाओं को तो बताते हैं, बस तिथि का ध्यान, तो साहित्यिक साक्ष्य की बहुत बड़ी सीमा है कि उसमें तिथि का बहुत उल्लेख नहीं मिलने जा रहा आपको, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस इसका। अगला लिखें आप कि उत्तर पश्चिम के बारे में सिकंदर के समकालीन यात्रियों ने भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी है। भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी है। जैसे एक नियारकस का उल्लेख मान लो मिलता है ना, तो भौगोलिक विवरण अच्छा दे रहा है, सिकंदर के साथ ही था वो नियारकस, वो भी थोड़ा प्रामाणिक सा हो जाता है, ठीक है। और सिकंदर के अभियान के बाद यूनानियों से संपर्क बढ़ा, लिख लें आप। सिकंदर के अभियान के पश्चात यूनान से संपर्क बढ़ा, से संपर्क बढ़ा, ये हम आगे देखेंगे अभी जब इंडो ग्रीक की बात करेंगे। तो हम तिथि क्रम वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सिकंदर ने कुछ शहर बनाए थे, काबुल के पास एक सिकंदरिया शहर, पाकिस्तान में एक सिकंदरिया, एक बुके फाल, ऐसे करके एक चैप्टर ही है ईरानी और सिकंदर के आक्रमण पे, पढ़ते जाना है किताब साथ में आपको, नोट्स कंप्लीट करने के बाद, आर्य शर्मा वाली, क्लियर ना। सती प्रथा का कुछ उल्लेख उसके समकालीन यात्री दे रहे हैं, यहां से बहुत सारे बैल लेकर के गया था वो, कि भाई यहाँ के बैल उन्नत हैं तो पशुओं के नस्ल जो है बेहतर होंगे वो, ये सब भी कुछ कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। खाका मैं रख दे रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ध्यान क्या रखना है, क्लियर सभी को।
तो बुद्धयोगिन समाज अर्थव्यवस्था और राजनीति पे हमने बात कर ली है, एक गणतंत्र रहेगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं करा दूंगा अगली क्लास में आपको, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत गणतंत्र पे बात कर लेंगे 2-4 मिनट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे धर्म और साहित्य। पूरा क्लास जाएगा धर्म और साहित्य पे, तब भी शायद पूरा ना हो पाए क्योंकि बहुत धर्म पे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। हाँ बोलिए। सिकंदर के आक्रमण के समय अधिकांशतः महाजनपद पर मगध का नियंत्रण हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट पंजाब सीमा मिलती थी, मतलब सिकंदर और धनानंद के, ठीक है, ठीक। हाँ क्या, हाँ उसी समय चाणक्य भी उसके समकालीन हो गया। चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था, जो नंद शासक था, तब उसने कहा था ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो मौर्य काल के साथ थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके हम। चंद्रगुप्त मौर्य भी सिकंदर की सेना को देखा था, उसकी बात करेंगे हम मौर्यों के साथ हम, ठीक है। यहां तक तो क्लियर ना सभी को, इसमें 4 चैप्टर है आर्य शर्मा में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 1 चैप्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, मुलाकात फिर होती है हम लोग अगले, इस वीक में तो क्लास नहीं है ना अब, चलिए अच्छी बात है, अगले वीक में मिलेंगे फिर हम लोग, है ना, ठीक है, थैंक यू। हाँ होली की सबको खूब सारी शुभकामनाएं, है ना, ठीक है। ये तो कलरफुल तुम बहुत सारे पेन लेकर के आते हो, हैं।